हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कैन आई विजिबल एंड ऑडिबल? मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है क्या? क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो जल्दी बताइएगा। हाँ सर, आवाज़ आ रही है। कैन आई विजिबल एंड ऑडिबल? हेलो हेलो, हेलो एवरीबॉडी, कैन आई विजिबल एंड ऑडिबल? क्या मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो जल्दी से बताइएगा। हाँ सर, आवाज़ आ रही है। ठीक है, देन हम लोग फटाफट क्लास को सर क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। तनुप्रिया, हेलो, कैसे हो तनुप्रिया? सब कहाँ चले गए आज? किसी से कोई मतलब ही नहीं क्लासेस से हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। The number you have dialed is दो सेकंड देख लेते हैं, सभी आ जाए, फिर हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मैं भी अच्छा हूँ बच्चा। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट रुकना बच्चा। अरे वो शांत कराई आवाज आ रहा है। गुड इवनिंग सोनू, कैसे हो? चलो जितने सारे लोग आ गए आ गए, क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग धीरे धीरे आते रहेंगे, नहीं आते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हमें कवर करनी है क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये 300 MCQs क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीरीज है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन भी करेंगे, GS के क्वेश्चन भी यहाँ पे करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, कहाँ गया यार, क्या हो रहा है? ठीक है, GS के क्वेश्चन भी हम लोग क्या है करने वाले हैं। हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो, हाँ जी हेलो। चलो बहुत अच्छी बात है। हेलो, हाँ हेलो, हाँ मैं ये कह रहा था क्लास ले रहा हूँ, क्लास लिया करता हूँ।
ठीक है, जितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हो हिस्ट्री के थे एंड पॉलिटी के थे, एंड जितने सारे क्वेश्चंस हैं इसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पॉलिटी के क्वेश्चन मैंने अभी रिसेंटली कराई थी, ध्यान रखिएगा। क्या हो रहा है यार, नमस्ते अनुपम, ठीक है अब सही है। ये हिस्ट्री के अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोगों ने आपको शाम को जो 4 बजे वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको पॉलिटी कराया था, ठीक है। जितने सारे लोगों ने नहीं देखी जाके देखिएगा पॉलिटी की क्लास। एंड अभी क्या है सर, इसमें जीएस में सब कुछ कवर होगा, हिस्ट्री के क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने लिए हैं, साथ ही मैंने इसमें बायो के क्वेश्चन लिए हैं, फिजिक्स के लिए हैं, केमिस्ट्री के लिए हैं, ठीक है, और करंट अफेयर भी हमने ले लिया है कुछ नया, और इसमें मैंने क्या लिया, हिस्ट्री भी लिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। मतलब कई सारे मैंने घुमा के आपके लिए क्वेश्चन लिया है और अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप अच्छे हमेशा रहिए, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्लासेस को, धीरे धीरे सभी लोग आते रहेंगे, मैं सेल्फ आप सभी लोग जानते हो, कोई बताने की नीड नहीं है। यार ये ऐसा घूम क्यों रहा है, मेरे को दिक्कत हो रहा है। चलो सीडीएस एफ कैट एंड सी ए पी एफ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे आप मेरे संग हैं, ठीक है। अनुपम अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी, अभी थ्योरिकल जब पढ़ाएंगे ना तो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं थ्योरी की क्लास नहीं ले रहा हूँ, अभी सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाए। व्हाट यू विल गेट, क्या मिलता है आपको अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो ये सब चीज़ें आपको क्या होता है सर अन अकेडमी पे मिलता है। ये आपकी लर्निंग ऐप कैसे डाउनलोड करोगे उसकी पूरी डिटेल्स है यहाँ पे। उसके बाद अन अकेडमी आपको प्लस लेने पे कौन कौन सब्जेक्ट्स देती है वो पूरी डिटेल्स है यहाँ पे। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अगर कोई भी प्लस स्पेशल क्लासेस देखनी है, प्लस क्लासेस देखनी है, तो उसके लिए इस कोड का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और आप यूज़ करके कोई भी क्लासेस देख सकते हो। ये हमारा न्यू चैनल स्टार्ट है अन अकेडमी का, जिसपे आपको मोटिवेशनल बहुत सारे जो हमारे टीचर हैं वो आपको डेली दिया करेंगे, मोटिवेशनल स्पीच दिया करेंगे, छोटे छोटे क्वेटो दिया करेंगे, जिससे क्या होगा आप मोटिवेटेड रहोगे और अच्छी पढ़ाई करोगे। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम सबको पता चल रहा है, यहाँ चल रहा है टेस्ट सीरीज, ये सीडीएस वाले बच्चों का चल रहा है। ये स्टार्ट है 24 मार्च से, एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें क्या है सर सीडीएस और एफ कैट के बच्चे शामिल हैं। सीडीएस और एफ कैट के बच्चे क्या हैं सर, शामिल होंगे, तो आप भी हो सकते हैं। ये पूरे एजुकेटर आपको पढ़ाने वालेंगे, और कुछ दिन बाद ही, जल्दी से मानकर चलो हफ्ते 10 दिन बाद, मैं भी आप बगल में हाथ जुड़ा हुआ दिखाई दूंगा करंट अफेयर के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो बच्चों को सीडीएस की तैयारी करनी है वो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ये हमारा सर कोड है, क्या है सर, ये हमारा कोड है आर लाइफ, ये हमारा कोड क्या है सर, आर लाइफ है, जिसको यूज करके हम क्या सकते हैं इस प्लस कोर्स को अपॉइल कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है सर, हम ज्वाइन कर सकते हैं। चलो अब देखो हमारे को क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे समझो आज हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं, समझिएगा मेरी बात। जितने सारे लोग हैं यहाँ पे, जो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे, 20 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, किसका सर, साइंस एंड ईवीएस का पूरा कवर करेंगे। समझ में आया है, ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है अनुपम, वही है, ठीक है। साइंस एंड ईवीएस का ये 20 क्वेश्चन पहले हम लोग करा करेंगे, मतलब 1 से 20 क्वेश्चन जो होगा वो साइंस एंड ईवीएस का होगा। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 1 से 20 क्वेश्चन फिर से नया स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे करंट अफेयर हम करेंगे। ये करंट अफेयर रैंडम क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट जितने सारे हमें लगे हैं मैंने इसमें इन्वॉल्व करिए। वैसे ही सेम हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन हमने उठाया है आप सबके लिए, ठीक है, 1 से 20 ये भी मिलेगा। ज्योग्राफी के हमने 20 क्वेश्चन उठाए हैं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हमने स्टैटिक्स जी के भी उठाया है 20 क्वेश्चन आपके लिए, और उसके बाद सबको मिलाने के बाद एक डिफरेंट टाइप के 20 क्वेश्चन हमने उठाया आपके लिए। समझ में आया, तो ये बड़ा आज समझ में आपको आ जाएगा कि रैंडम, मैंने सोचा था कि केवल हिस्ट्री कराऊंगा, वनली हिस्ट्री कराऊंगा, फिर मेरे को लगा कि बच्चे कहीं ना कहीं तो हिस्ट्री पढ़ ही रहे होंगे, तो हम एक काम करते हैं एज अ लाइक इनका मॉक टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। समझ में आया, टोटल 120 क्वेश्चन होगा। अगर आप 120 में से अपने आप को ये डिजर्व करते हो कि यार नहीं मेरा 80 एंड 90+ जा रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है जीएस की। समझ में आ रहा है, तो ये आज समझ में आ जाएगा लेवल क्वेश्चन का देख के, सब कुछ देख के कि हाँ सर क्वेश्चन इसी तरह के हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबको मेरी बात समझ में आ रही है, जितने सारे लोग हैं, जितने सारे लोग हैं सबको मेरी बात समझ में आ रही है ये चीज़ें, जल्दी से। हाँ सर समझ में आ रही है, अगर सबको समझ में आ रही है तो जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, देन हम लोग फटाफट क्लासेस स्टार्ट कर देंगे सर बहुत जल्दी है, ठीक है। एक बार बताइएगा सबको मेरी आवाज़ आ रही है, तनु मेरी आवाज़ आ रही है, सोनू आ रहा है आवाज़, निधि आवाज़ आ रही है, बच्चा अनुपम आवाज़ आ रहा है, क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है,
चलो मिथुन भी आ चुके हैं, आवाज़ आ रही है, अनुपम आ रहा है। चलो तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। पहला है हमारा साइंस एंड ईवीएस का क्वेश्चन। साइंस एंड ईवीएस में क्या है पहला क्वेश्चन, देखो ये आपके सामने रहा, तो जल्दी से आपको बताना है सर आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। साइंस एंड टेक के आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। आपके कमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेडिसिन विच प्रमोट्स द सेक्रेशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड, कहता है कि दवा जो मूत्र के स्राव को बढ़ाती है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पर्पज से काफी अच्छे होंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं आपको ये बताना है। जल्दी से बताइए क्या कहते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइएगा। क्या कहते हैं, सभी ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिए क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सर वो डायबिटिक होता है, ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं मूत्रवर्धक कहते हैं हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी गुड निधि, बहुत अच्छा, गुड, नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पे कहता है एक ही प्रजाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए जानवरों के एक प्रजाति द्वारा जारी रसायन होते हैं, ये कह रहा है द केमिकल रिलीज बाई वन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर, उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब एक से दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो ऐसे मेंबर्स को हम क्या कहते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। ऐसे मेंबर्स को, इसकी अनुपम बहुत अच्छा, ऐसे को हम क्या कहते हैं, एक ही प्रजाति के दोनों होते हैं, दोनों आपस में अगर अट्रैक्ट करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, हॉर्मोन्स कहते हैं, न्यूक्लियर एसिड कहते हैं, या फेरोमोन कहते हैं, या स्टेरॉयड कहते हैं, जल्दी से बताइए क्या कहते हैं, जल्दी से इसको हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे आर लाइफ कोड लिखा है, आप लोग को शायद दिखाई नहीं देता होगा, ठीक है, ये आर लाइफ कोड हर स्लाइड पे लिखा हुआ है, जल्दी से। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, फेरोमोन कहते हैं, क्या कहते हैं सर, फेरोमेन कहते हैं, इस बात को रिमेम्बर करिएगा, जो एक ही क्या होते हैं सर जी, केमिकल रिलीज करते हैं और एक ही प्रजाति के होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये क्या करते हैं आपस में अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं फेरोमोन, याद रखिएगा, ये सब बायो के क्वेश्चन है, बहुत काम के हैं। चलो अब यहाँ पे कहता है सोर्स ऑफ एंजाइम डाइजेस्टेस इज, कहता है डाइजेस्टेस इज, क्या कहते हैं इसको, एंजाइम का जो स्रोत होता है ना डाइजेस्टेस होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग ये बता दो आपको, ठीक है। साल्वेरा गलत कहते हैं, स्टोमच कहते हैं, लीवर होता है, या आपका क्या होता है पैनक्रेस होता है, क्या होता है जल्दी से बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। निधि, अनुपम, सोनू, जल्दी से मिथुन, आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो सर इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या होता है सर, सालेविया होता है, ग्लैंड होता है, इसको लार ग्रंथि कहते हैं हम सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ सर, कहता है मानव शरीर में काउपर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा बनाती हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, या बनती हैं आपको बताना है किसका बनती है, ठीक है। काउपर्स ग्लैंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसका पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी में, इन द ह्यूमन बॉडी काउपर्स ग्लैंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना ह्यूमन बॉडी का किसका पार्ट होता है काउपर्स, जल्दी से बता दो किसका होता है, जल्दी से किसका होता है सर जी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, याद रखिएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसी का पार्ट होता है, ठीक है। अनुपम गलत है, मतलब हवा नहीं लग रहा है ना क्वेश्चन, एकदम हवा नहीं लग रहा है ना, कुछ लोग को लगता होगा है ना। ड्यूरिंग एक्साइटमेंट, जब हमारे अंदर क्या होता है सर, एक्साइटमेंट होता है, ड्यूरिंग एक्साइटमेंट विच हार्मोन्स रिलीज हायर अमाउंट, तब हमारे अंदर से कौन सी हार्मोन्स क्या होता है रिलीज होता है आपको ये बताना है। जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है तो उस पॉइंट हमारे अंदर क्या होता है, एक हार्मोन्स रिलीज होता है हायर, बहुत ज्यादा मात्रा में, उसको हम लोग क्या कहते हैं जल्दी से बताइएगा, उसको हम लोग क्या करते हैं जल्दी से, उत्तेजना के दौरान कौन सा हार्मोन्स अधिक मात्रा में रिलीज होता है हमारी बॉडी से, कौन सी हार्मोन्स रिलीज होती है हमारी बॉडी से जल्दी से, एंड्रालाइन होता है, क्या हो सकता है सर जी, ध्यान रखिएगा, एंड्रालाइन होता है, ठीक है। ये हार्मोन्स हमारे बॉडी से सबसे ज्यादा रिलीज होता है जब हमारे अंदर किसी चीज को लेके एक्साइटमेंट होता है, तो उस टाइम अगर कोई भी हार्मोन्स अगर रिलीज होता है सबसे ज्यादा होता है एंड्रालाइन, ठीक है। हेलो रामजान की, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है सर, विच इज मेल सेक्स हार्मोन्स, क्वेश्चन कह रहा है पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है, ठीक है, विच इज मेल
सेक्स हार्मोन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है? तो क्या होता है जल्दी से बता देना हमारे को सभी लोग। प्रोजेस्ट्रॉन होता है, एस्ट्रोजेन होता है, या टेस्टोस्टेरोन होता है, या इंसुलिन होता है, क्या होता है जल्दी से आप सभी बताइए, फटाफट बताइए। आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं आप सभी के लिए। अगर आप इतना करने के बाद आपको लग रहा है कि सर 120 में से मेरा 80 सही हुआ है, मतलब सही है, और मालूम चला 120 में से सर जी 50 के नीचे ही है, मतलब बहुत गड़बड़ है फिर तो, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से सभी बताइए, क्या होगा सर जी? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं हम, ध्यान रखिए। क्या कहते हैं सर जी? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं किसको सर जी? जो मेल के अंदर क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं। विच मेल, विच इज मेल सेक्स हार्मोन्स, ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसको लिख लो, कॉपी में पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाओ, 7 नंबर पे कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन्स। अब इसमें से हम किस हार्मोन्स को इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे आपातकालीन हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है? ठीक है, कहता है एंड्रेनालाइन होता है, या थायरोक्सिन होता है, या वासोप्रेसिन होता है, या इंसुलिन होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है जल्दी से? एंड्रेनालाइन, सुना है इसके बारे में? करेक्ट आंसर सर हमारा क्या होगा? एंड्रेनालाइन इज अ करेक्ट आंसर। अरे यार ये सब क्वेश्चन आप एग्जाम में आया हुआ है, ये सब मैंने उठाया है PYQ से, किसी न किसी एग्जाम में आया। जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने उठाया है CDS से, कुछ FCAT से उठाया है, कुछ क्वेश्चन मैंने SSC का उठा के डाला है इसमें, SSC CGL का रिसेंटली का, कुछ क्वेश्चन CHSL का मैंने डाला है, ठीक है? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने उठा उठा के इसमें डाला हुआ है जो कि पूरी तरह से कवर हो जाएगा अगर आप करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, यहाँ पे इसका आंसर बता दो क्या होने वाला है। अ पर्सन विल हैव अ ब्राउन आईज, एक पर्सन है जिसके पास क्या है भैया, भूरे आंख है, ब्राउन आईज है, ब्लू आईज और ब्लैक आईज डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर पिगमेंट इन द। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति में भूरी आंखें, नीली आंखें या काली आंखें होगी, ठीक है, तीनों में से कोई एक होगा जो कि विशेष वर्णन के आधार पर होती है, किसके होती है जल्दी से बता दो, किसमें होती है जल्दी से, जल्दी से बताइएगा क्या होगा? प्यूपिल कहते हैं, कार्निया कहते हैं, आयरिस कहते हैं, या कोराइट कहते हैं? यहां तो सभी लोग आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा सर जी? प्यूपिल, ध्यान रखिएगा, ये तो सबको पता होगा, कॉर्निया तो होगा नहीं, कॉर्निया हमारे को दिखाई देता है, आयरिस भी होगा नहीं, कोराइट तो होना ही नहीं है। चलो क्वेश्चंस नंबर आ चुके हैं 9 पे, आपको बताना एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टोरेन नियंत्रण और विकास को प्रोत्साहित करते हैं, स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ, किसको करते हैं सर जी ये बताना है। पिट्यूरी का कहते हैं, या इसको ग्लैंड को कहते हैं, थायराइड ग्रंथि को कहता है, या आपको कहता है सर जी क्या है, मैमरी ग्लैंड को कहता है, या होता है सुप्रा रिनाल ग्लैंड कहते हैं, विकृत ग्रंथि कहते हैं, कौन सा करेक्ट आंसर है इसका आपको बताना है जल्दी से बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? पिट्यूरिटी ग्लैंड इज अ करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए, इसका जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। मेम्बरेंस कवरिंग द लंग्स इज अ, फेफड़े को ढकने वाली जो झिल्ली होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, फुलेरा कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं, या पेरिटोनियम कहते हैं, या आपको क्या कहते हैं सर जी, मेसोथेलियम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो सर हम लोग जिस जो फेफड़े को, हमारे लंग्स को जो कवर करता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखना, हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं सर? पेरिकार्डियम हम लोग इसको कहते हैं। वेरी गुड, ड्राफ्ट जानकी बाबू 2 होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे, नहीं 20 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन के बाद हम लोग चेंज करेंगे, ध्यान रखना। कहता है हवा में तैरते हुए, ठीक है, श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कैसा होता है, फ्लोटिंग इन द एयर, माइक्रोस्कोपी पार्टिकल्स कैसा होता है, मोर देन 7 माइक्रो अधिक होता है, मतलब कि क्या होता है, मोर देन ज्यादा होता है, 6 माइक्रोन उससे ज्यादा होता है, 5 माइक्रोन से ज्यादा होता है, या लेस देन होता है, क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि लेस देन होता है, क्या होता है सर? लेस देन क्या होता है? 5 माइक्रोन होता है। कितना होता है सर? 5 माइक्रोन से छोटा होता है सर, क्या होता है सर? 5 माइक्रोन से छोटा होता है, ठीक है, वेरी गुड राम जानकी। चलो
यहाँ पे दो आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, दो स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। पहला ही दोनों हिंदी में आ गया है, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, पहला है। दूसरा कहता है मौसम की चरम दशा बारंबारता तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। दोनों को पढ़ के आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। कहता है ए तथा बी दोनों सही हैं, आर मतलब कि नीचे वाला जो है ए का सही कारण है, या तो मतलब इन दोनों का मतलब पहला भी सही है दूसरा भी सही है, पहले का एक्सप्लेनेशन सेकंड कह रहा है, या ए या दोनों सही है लेकिन आर मतलब सेकंड वाला ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है कह रहा है, ए और दो दोनों गलत है, ए और दो दोनों क्या है सही है, ए गलत है किंतु क्या है आर सही है, कौन सा करेक्ट होगा जल्दी से बता दो कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन वन जो है हमारा बिल्कुल सही है, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव क्या करता है सर बढ़ रहा है, मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे, मतलब जब वेदर चेंज होगा तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट जरूर दिखेगा, इसका मतलब ए को एक्सप्लेन कर रहा है कौन आर, मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क स्टेबलाइज इन इंडिया, पहला जो हमारे इंडिया में नेशनल पार्क स्टेबलाइज हुआ था वो कौन सा था आपको ये बताना है जल्दी से बताइएगा, वो कौन सा था आपको ये बताना है जल्दी से बताइएगा। तो वो आप सभी लोग जानते हो क्या है सर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि सबसे पहला पार्क बोला जाता है। निम्नलिखित में ध्यान रखना है, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमिलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा मैच नहीं है आपको ये बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड कहता है थर्मल पावर स्टेशन, नहीं पता हमें सर। क्लोरो फ्लोरो कार्बन की बातें कर ले तो ऑटोमोबाइल कह रहा है, नाइट्राइस बोल रहा है सर जी, क्या बोल रहा है सर ध्यान रखना, नाइट्राइस ऑक्साइड की बातें कह रहा है और कह रहा है क्या सर सबमर्ज पैडी फील्ड, फिर कहता है सल्फर डाइऑक्साइड को कह रहा है ब्रिक्स क्लीन, अब बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा, कौन सा नहीं है विच इज नॉट अ करेक्टली मैच्ड आपको बताना है। राम जानकी आंसर कह रही है डी, और कोई, अरे इतने सारे लोगों, 5-6 लोगों, सभी आंसर तो बेचारी वो अकेले दी जा रही है, अनुपम दे रहा है, राम जानकी दे रहा है और कोई नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों भैया दर्शन करने आयो केवल। क्लोरो फ्लोरो कार्बन क्या होता है ऑटोमोबाइल नहीं होते, ये गलत स्टेटमेंट है, सभी आंसर दो भाई बैठो मत, ठीक है चलो। सनस्टेबल एनर्जी फॉर ऑल इज द डेकेड इनिशिएटिव कह रहा है, सबके लिए सत ऊर्जा दशक पहल है, किसकी है आपको बताना है, यूएन की है, इंडिया की है, जर्मनी की है या वर्ल्ड बैंक की है, किसकी है किसकी है जल्दी से बताइएगा। तो किसकी है सर, यूएन की है, अभी हाल ही में मैंने पढ़ाया भी था आप लोग को, किसकी है सर जी, यूएन की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, अब आपको फिर से यहाँ कह रहा है नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है आपको ये बताना है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो आपको बताना है ध्यान रखिएगा। कहता है मरकरी को बोलता है सर जी मिनामाइट कहता है डिजीसेस है, ठीक है, कैडनियम को क्या कहता है सर जी इटाई है, बोलता है इटाई इटाई बीमारी डिजीसेस है, फिर बोलता है सर नाइट्रेट आयन को क्या बोलता है ब्लू बेबी बोलता है, और इसके बाद फ्लोराइड आयन को क्या बोलता है सर जी इंडिजेशन कहता है, अब बता दो करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से। राम के दर्शन करने आए हैं, पढ़ाई भी कर लो वो भी जरूरी है ना, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर सर हमारा क्या है ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट मैच। चलो, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है, आपको यहाँ पे बनाता है कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द नेचुरल बैलेंस ऑफ द एटमॉस्फियर, 0.02% होता है, 0.03% होता है, 0.04% होता है या 0.05% होता है, कौन सा सही है, ठीक है। हाँ बेटा आज हमें भी नींद आ रहा था, मतलब टोन मार रहा ना बेटा, सही है, रतन सर को टोन मार रही है, आज शाम वाली क्लास में हमारे को भी नींद बहुत तेज आ रही थी, पढ़ाते पढ़ाते 2-3 बार झप्पी ले लिया था, है ना, तो इनडायरेक्टली दोनों काम इसने कर लिया, मतलब इन्होंने बच्चों को भी बोल दिया रतन सर को भी बोल दिया, सही है सही है, आज के बच्चे बड़े स्मार्ट है। करेक्ट आंसर सर क्या है, 0.03%। आज सुबह से क्लास भी तो चल रही है। चलो,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली, इसमें से कौन सा नहीं है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कह रहा है 5 जून को मनाते हैं, अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाते हैं, नो टोबैको डे 5 मई को मनाते हैं, ओजोन डे 17 सितंबर को मनाते हैं, क्या होगा जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका जल्दी से बताइएगा। तो करेक्ट आंसर सर क्या, नो टोबैको डे जो है 5 मई को गलत मनाते हैं, नहीं मनाया जाता है। चलो, जैव विविधता को अधिकतम संकट है, बायोडाइवर्सिटी इज द मैक्सिमम क्राइसिस, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो इससे जो करेक्ट आंसर है सर वो हमारा ए है, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक निवास वनस्पति के विनाश से। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। अब यहाँ पे कहता है भैया, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है, जो जलवायु क्लाइमेट चेंज होता है उसका मेन जो रीजन है वो क्या है। जीवांश ईंधन का अधिकता, क्या लिखा है, अधिकाधिक प्रज्वलन होता है, तेल चलित स्वचालित की संख्या विस्फोटन होता है, सौर धधक में वृद्धि होती है, अत्यधिक उन्मूलन होता है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो क्या होगा सर, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट, केवल 1, 2 और 4, मतलब पहला रीजन है, दूसरा रीजन है और चौथा रीजन है इंक्रीजिंग अ सोलर ब्लेजिंग, बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब यहां से हमारा टॉपिक चेंज, यहां से स्टार्ट हो रहा है सर करंट अफेयर। हमने 20 क्वेश्चन किया है किसका, ध्यान रखिएगा, हमने 20 क्वेश्चन ये किया है किसका सर जी, ईवीएस का, अभी जस्ट हमने आप लोग करा दिया। अब यहां से 20 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर करंट अफेयर का। समझ में आ रही मेरी बातें, समझ में आ रही मेरी बातें, जल्दी से बोलिए, हाँ सर समझ में आ रहा है, एवरीबडी नाउ क्लियर। अब हम लोग टॉपिक चेंज कर रहे हैं, अब आ रहे हैं हम 20 क्वेश्चन करंट अफेयर पे। सी 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 भी चलो, टॉपिक हमारा आ गया करंट अफेयर का। अब आपको बताना है हु हैज लॉन्च द फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इन नॉर्थ कश्मीर। नॉर्थ कश्मीर में पहला क्या है, कम्युनिटी जो रेडियो लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च करा है, सीआरपीएफ ने करा है, बीएसएफ ने करा है, इंडियन नेवी ने करा है या इंडियन आर्मी ने करा है, किसने करा है आपको ये बताना है जल्दी से बताइएगा। तो इंडियन आर्मी ने करा है, किसने करा है सर, इंडियन आर्मी, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, किसने कराया सर, इंडियन आर्मी ने करा है। नेक्स्ट आ जाओ, कहता है हु हैज टेकन चार्ज एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड। कहता है सर यहाँ पे कि कौन है पूर्वी, पूर्व के प्रमुख में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के रूप में किसने कार्यभार संभाला है नौसेना का, आपको ये बताना है, किसने संभाला है, रॉबिन के धोवन ने संभाला है, अजेंद्र बहादुर सिंह ने, दीपक सिंह ने या अतुल कुमार जैन ने, किसने संभाला है आपको ये बताना है जल्दी से बता दो, ये मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, किसने संभाला है, अजेंद्र बहादुर सिंह ने क्या किया एज अ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ऑफ चीफ इन ईस्टर्न नोवल कमांड को इन्होंने संभाला हुआ है पूर्वी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ। थर्ड नंबर हमारा कहता है सर जी, इंडिया विच इंडियन नोवल सी हैज बीन सेंट फॉर अ ह्यूमेटेरियन असिस्टेंट टू द ड्रॉग हीट मेडागास्कर टू डिलीवर अ फूड एंड मेडिकल असिस्टेंट इन मार्च 2021। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि मार्च 2021 में भोजन और चिकित्सा सहायता देने के लिए सूखा ग्रस्त मेडागास्कर में मानवीय सहायता के लिए किस भारतीय नौसेना का जहाज भेजा गया है। आईएनएस क्या है सर जी, जलसवा है, मागर है, शार्दुल है या इरावत है, किसको भेजा गया जल्दी से बता दो। न्यू इंडिया, बहुत अच्छा, किसको भेजा गया जल्दी से आंसर बता दो, क्या होगा जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा, की हो गया नंदनी जानकी। तो सर जी हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है, जालेश्वर, क्या करेक्ट आंसर है सर, आईएनएस जालसवा। चलो, इंडियन एयर फोर्स इज द टेकिंग अ पार्ट ऑफ द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 4 फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, द एक्सरसाइज इज ऑर्गेनाइज बाय विच कंट्री एनुअली, किस कंट्री के द्वारा एनुअली ये एक्सरसाइज क्या की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है, जो कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार मल्टीनेशनल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 4 फर्स्ट टाइम इन्होंने ज्वाइन किया है, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूएई या यूनाइटेड स्टेट। करेक्ट आंसर आपको बताना है, मुझे नहीं, जल्दी से आंसर बता दो क्या होगा। तो करेक्ट आंसर जल्दी से बता दो क्या होगा, जल्दी से करेक्ट आंसर सर क्या होगा जल्दी से, तो करेक्ट आंसर सर हम रतन सर आपने पढ़ाया हुआ है करंट अफेयर में, यूएई क्या है सर, करेक्ट आंसर है। ठीक है, यूएई क्या है सर, करेक्ट आंसर है। कहता है इंडिया या इंडियन एयर फोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन द एयर शो श्रीलंका, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, श्रीलंका एयर फोर्स इन 2021 टू मार्क विच एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ एसएलएएफई, मतलब श्रीलंकन का है, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका एयर फोर्स
ठीक है, कौन सी एनिवर्सरी थी, 80, 70, 50 या 100, कौन सी थी जल्दी से? तो कौन सी थी सर जी, ध्यान रखिएगा, 70 एनिवर्सरी थी जिसमें हमारी एयरफोर्स पहली बार ने क्या किया था, पार्टिसिपेट करा हुआ था। इंडियन एयरफोर्स हैज गिफ्टेड 1971 वॉर हेलीकॉप्टर टू विच नेशन? इंडियन, ध्यान रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया है, 1971 का जो हेलीकॉप्टर था, जो इंडिया और पाकिस्तान की जब वॉर हुई थी उस टाइम का जो हेलीकॉप्टर था, उसको किस नेशन को इन्होंने एज अ गिफ्ट दिया हुआ है? तो किस नेशन को एज अ गिफ्ट दिया है, तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश को इन्होंने क्या किया है, एज अ गिफ्ट दिया हुआ है। किसको दिया है सर? बांग्लादेश को इन्होंने एज अ गिफ्ट दे दिया है। ठीक है, उसके बाद बोलता है, अजेंद्र बहादुर सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ विच कमांड ऑफ इंडियन नेवी? बहुत इजी है सर, अभी आप जस्ट पढ़ाए हो सर, इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। अभी हमने पढ़ाया है पूर्वी, याद करो मैंने पढ़ाया ना ईस्टर्न नोवल कमांड, अभी जस्ट मैंने पहले पढ़ाया है। ठीक है, पूर्वी नौसेना का कमान इनको दिया गया है, अभी जस्ट हमने पढ़ाया है 2 सेकंड पहले। इंडिया एंड इंडोनेशिया नेवीज रिसेंटली हेल्ड दियर पासेस एक्सरसाइज इन विच रीजन? कह रहा है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हाल ही में पासेस एक्सरसाइज जो हुआ था वो किस रीजन में हुआ था? साउथ चाइना सी में हुआ था, आर्टिक हुए ओशियन में हुआ था, इंडियन ओशियन में हुआ था, या अरेबियन सी में हुआ था? कहाँ पे हुआ था जल्दी से आप सभी बता दो, तो जल्दी से कहाँ पे हुआ था बता दो जल्दी से। तो अरेबियन सी में हुआ था, कहां पे हुआ था सर जी? अरेबियन सी में हुआ था। अनुपम नहीं बाबू, इसका आंसर 8वें का गलत दे रहे हो। चलो, हु हैज टेस्ट फायर अ इंडिजेनसली डेवलप हेलेना? ये भी याद करो मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, हेलेना, ठीक है, और क्या है ध्रुवस्त मिसाइल सिस्टम, जल्दी से बता दो। स्वदेश में विकसित हलीना और ध्रुवस्त मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने, इसरो ने, नासा ने, यास्मी ने, किसने करी है जल्दी से ये भी बताइए, आंसर क्या होगा? तो किसने करी है सर? डीआरडीओ ने। ये सब मैंने आप लोग को पता है लर्निंग ऐप पे पढ़ा रखा है, रटवा रखा है लर्निंग ऐप पे आप लोग को, जिसने जिसने लर्निंग ऐप पे क्लास किया है ना उसको रटा हुआ है ये सब करंट अफेयर। नेक्स्ट आ जाओ, नॉडेक्स 2020 इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन इन दुबई, आपको बताना है किसने पार्टिसिपेट किया था? इंडिया, इंडियन सी पार्टिसिपेट इन द नोबेल डेवलपमेंट, बता जल्दी से कौन सा है? आईएनएस क्या था, विभूति था, वीर था, प्रलय था, या निर्घात था, इसमें से कौन सा था करेक्ट आंसर जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। करेक्ट आंसर सर क्या है? निर्घात। आईएनएस निर्घात क्या किया था सर? पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, आईएनएस निर्घात क्या था सर? पार्टिसिपेट किया था। 11 पे आ जाओ, कहता है विच टीम ओन द 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी? ध्यान रखना किस टीम ने जीता हुआ है, ऑफ द आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया हेल्ड इन गुलमर्ग, जो गुलमर्ग में अभी हुआ था, किसने जीता है? लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स ने जीता है, इंडो तिब्बत बॉर्डर ने जीता है, चंडीगढ़ ने जीता है, शिमला ने जीता है, एक्स सर्विसमैन लीग ने जीता है, किसने जीता है जल्दी से आप सभी बताइएगा। तो किसने जीता है सर? इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स ने क्या किया, जीता है। ये सब मैंने पढ़ा रखी है, पता है हमें याद आ रहा है तो आप लोगों को क्यों नहीं याद आएगा। ठीक है, सौरभ कुमार गुड इवनिंग, याद करो कितने सारे बच्चे ऐसे हैं लर्निंग ऐप पे जिन्होंने हमको फॉलो किया है, क्लास किया है, ये सब करंट अफेयर उनको रटा है, एकदम मुंह पे रटा हुआ है। ठीक है, आप लोग को भी बस यही काम करना है भाई, पढ़ लो, बहुत अच्छी चीजें मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, हु हैज टेकन ओवर एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ द इंडिया ऑफ यूनाइटेड, ध्यान रखिए, यूनियन ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया नेशनल नेशंस, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे कार्यभार संभाला है जल्दी से बता दो। तो किसने संभाला है सर? ध्यान रखिएगा, तो ये संभाला है सर जी जयंत एन खोबराड़े, ध्यान रखना ये भी एग्जाम के लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कहता है विच बैंक सीईओ श्याम श्रीनिवासन वॉज सेलेक्टेड एज अ बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर फॉर 2019 एंड 20? किस बैंक के सीईओ श्याम श्रीनिवासन को 2019 और 20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर के रूप में चुना गया है? किसको चुना गया जल्दी से था, किस बैंक ने चुना है जल्दी से? ठीक है, नमस्ते अमू, इन सब का आंसर देना। ठीक है, जल्दी से बता दो कि करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो किसने चुना है सर जी? फेडरल बैंक ने सुना है, और अभी हाल ही में आरबीआई ने इन पे फाइन लगाया है। कितने का आरबीआई ने फाइन लगाया जल्दी से बता दो, सुबह मॉर्निंग में आज ही मैंने पढ़ाया है, कितने का आरबीआई ने फेडरल बैंक पे क्या लगाया, फाइन लगाया है। गुड इवनिंग तान्या, फेडरल बैंक पे
कितने का इन्होंने क्या किया है, पेनाल्टी लगाया है आरबीआई ने, जल्दी से बता दो। आरबीआई ने क्या किया, फेडरल बैंक पे, अभी आज ही का न्यूज है, मैंने पढ़ाया था सुबह में एनालिसिस में, कि कितने का अमाउंट का इन्होंने क्या किया है सर, इन पे क्या किया है सर, जल्दी से बता दो, फाइन लगाया है। एसबीआई पे तो 2 करोड़ का लगाया था, फेडरल बैंक पे कितने का लगाया है, जल्दी से कौन बताएगा, जल्दी से। 2 लाख का निधि, 2 लाख का, क्या बोल रही है, 1.5 लाख का। अरे जाके पढ़ो, ठीक है, सब पढ़ाए हुआ चीज आप लोग खराब कर देते हो। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ध्यान रखिएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF स्टार्ट द ऑपरेशन चिल हवा विच एम टू इंक्रीज द सिक्योरिटी। अब बता दो, ये तो बहुत इजी है सर जी, बहुत इजी है। सर्द हवा, याद आ रहा है, मैंने इसको भी पढ़ा रखा है, कहाँ पे है, जल्दी से, जैसलमेर है, सूरत है, गुवाहाटी है। देखो पहले ऑप्शन को हटाओ सर, गुवाहाटी होगा नहीं, सूरत होगा नहीं, ठीक है, मंगलोर साउथ में जाएंगे नहीं, फरीदाबाद होगा नहीं, करेक्ट आंसर जैसलमेर सर, क्योंकि जैसलमेर पड़ता है सर राजस्थान में, तो राजस्थान में ही ये किया गया था, ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा जैसलमेर। याद करो मैंने सब पढ़ा रखा है, पता है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको सब समझ में आएगा कि हाँ रतन सर याद आ रहा है, जैसलमेर इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द उद्यम सारथी, याद आ रहा है, अभी कल या परसों मैंने ये पढ़ाया है, अभी हम लोगों ने कल या परसों मैंने पढ़ाया है, यहाँ पे उद्यम सारथी के नाम से, याद करो, बिजनेस के लिए ऐप है, किसने लॉन्च करा है ये बताना है आपको, जल्दी से बता दो, जल्दी से, किसने लॉन्च करा है ये बता दो जल्दी से। तो किसने लॉन्च करा है सर, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च करा है, अभी कल और परसों वाली क्लास में मैंने इसका डिप्थ एनालिसिस दिया था, बहुत अच्छे से समझाया है कि उद्यम सारथी जो स्टार्ट किया गया है, कैसे स्टार्ट किया गया है, इस पे 25 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और लगभग 25 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, एक एक एनालिसिस मैं आपको क्लास में समझाया था। नेक्स्ट आ जाओ, 16th एडिशन ऑफ द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वॉज रिसेंटली रिलीज, द रिपोर्ट इज रिलीज एनुअली बाई विच ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हाल ही में रिलीज किया गया था, वो पूछ रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। हाँ ऐप पर मैंने सब पढ़ा रखा है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो इसका आंसर होगा सर जी, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा क्या किया जाता है, इस रिपोर्ट को सर रिलीज किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। IIFL होम फाइनेंस हैज पार्टनर विद विच बैंक टू लीड फॉर MSME लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब क्या कह रहा है, IIFL होम फाइनेंस हैज पार्टनर, मतलब किस बैंक के संग इन्होंने क्या किया है, होम फाइनेंस ने पार्टनरशिपिंग करके लोन देंगे किसको, MSME वालों को लोन देंगे अगेंस्ट उनके प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी को रख के इनको लोन प्रोवाइड करेंगे, तो किस बैंक के संग इन्होंने पार्टनरशिपिंग करी आपको ये बताना है, जल्दी से बताओ, किस बैंक के संग इन्होंने क्या करी है सर, पार्टनरशिपिंग करी है, जल्दी से। तो इन्होंने करी है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अकाउंट के बैंक के संग इन्होंने क्या किया है, पार्टनरशिपिंग करके MSME वालों को क्या करेंगे सर, ये लोन देंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत। बहुत अच्छा अम्मू, ग्रेट, इसके पहले वाला आंसर आपने बताया बहुत अच्छा, 1D 1P, ठीक है, ODOP के तौर पर, बहुत अच्छा, जो कि जापान से लिया गया ये बिजनेस स्ट्रेटजी है, ठीक है। वेयर वॉज द 3 डे, ये भी मैंने पढ़ाया है, जल्दी से बता दो, ठीक है, कमिटमेलेशन होता है मीटिंग, चिंतन का जो बैठक किया जाता है बंदरगाह की समीक्षा के लिए, जल्दी से बता दो आयोजित की गई थी कहाँ पे, सूरत, अहमदाबाद, कच्छ कुछ है या राजकोट है या कहाँ पे, गांधीनगर, जल्दी से इसका आंसर बता दो। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा है सर वो क्या है, सूरत है, करेक्ट आंसर सर हमारा क्या है, सूरत इज अ करेक्ट आंसर। विप्रो इज अ फुल्ली प्रिपेयर टू एक्ट द नॉलेज पार्टनर, ध्यान रखिएगा, ऑफ विच स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, विप्रो समूह किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार के ज्ञान भागीदारी के रूप में कार्य करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तमिलनाडु, त्रिपुरा, मिजोरम, मध्य प्रदेश या मेघालय, करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से, करेक्ट आंसर सर क्या होगा जल्दी से, बहुत अच्छा, ग्रेट, किसने दिया, अनुपम ने आंसर दिया है, क्या होगा सर, मेघालय इज ए करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा, ग्रेट अनुपम, बहुत अच्छा। चलो ये क्वेश्चंस हमारे क्या हो गए, हम लोगों ने ईवीएस के कितने क्वेश्चन कर लिए सर, 20 क्वेश्चन कर लिए, करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन कर लिए सर, 20 क्वेश्चन कर लिए, दोनों 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, समझ में सबको आ रहा है, हमने 40 क्वेश्चन सर कवर कर लिए, ईवीएस के 20 किए हैं और करंट अफेयर के 20 कर लिए। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, क्या करने जा रहे हैं सर, हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन हम लोग क्या करने जा रहे हैं सर, स्टार्ट करने जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो चलो हिस्ट्री के लिए अब तैयार हो जाओ, मैंने आज 5 सेक्शन लिया है,
मैंने पहले सोचा था कि हिस्ट्री का केवल क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन मैंने सोचा नहीं, सबको मिक्स करके देंगे। चलो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री, समझ में आया? सेम हिस्ट्री के भी हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से सबको समझ में आ रहा है? हिस्ट्री के हम लोग अब 20 क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तैयार हो जाओ, 40 क्वेश्चन कर लिए, 20 हिस्ट्री का, टोटल 120 क्वेश्चन हमारे को करना है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे ये कह रहा है, बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो क्या थी? द कैपिटल ऑफ द बहमनी किंग वॉज, क्या था? गुलबर्गा था, बीजापुर था, या हम्पी था, या आगरा था? किसका सर जी, ध्यान रखिएगा, बहमनी जो राजाएं थे ना, कहाँ गया ये बहमनी जो किंग्स थे ना, उनका जो कैपिटल था ना, वो पूछ रहा है सर कहाँ पे था? गुलबर्गा में था, बीजापुर में था, या हम्पी में था, या आगरा में था? करेक्ट आंसर आपको बताना है, करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। चलो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, तान्या आंसर बताओ जल्दी से, अमु गुप्ता आंसर बताइए क्या होगा, न्यू इंडिया, अनुपम, और कौन है? अनुपम के बाद कौन है? न्यू इंडिया, अच्छा यही लोग हैं। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। बी गलत है, बीजापुर गलत है। करेक्ट आंसर सर हमारा क्या होगा? गुलबर्गा, ध्यान रखिएगा गुलबर्गा इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, कहता है पृथ्वीराज थर्ड, ध्यान रखिएगा, 1168 टू लेके 1192 वॉज बेस्ट नोन रूलर, बता दो किस नाम से जानते थे? सबसे अच्छा ज्ञात शासक था, कौन था? जल्दी से जल्दी से, चौहान, गढ़वाला था, चालुक्य था, या ब्राह्मण था? जल्दी से क्या था, जल्दी से देख क्या था। तो क्या था सर जी? चौहान। ठीक है, वॉज बेस्ट चौहान रूलर्स, ठीक है, चौहानों के सबसे अच्छे रूलर्स थे। ई नहीं होगा राम जानकी, ठीक है, सेकेंड होगा। चलो यहाँ पे कहता है बहमिया, क्या है? बहमनिया, ध्यान रखिएगा, बोला हुआ है कहाँ पे? बहमनिया से गोवा का महत्वपूर्ण किला जीतने वाला पहला विजयनगर शासक कौन था? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से बता दो, पहला शासक कौन था? रेवाली था, ठीक है, हरिहर फर्स्ट था, हरिहर टू था, या बुक्का था, कौन था? तो कौन था सर, ध्यान रखिएगा, हरिहर टू था। कौन था सर? हरिहर टू था। चौथा क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से देगा, हु वॉज द मुस्लिम जनरल टू हैव अ कॉन्क्वर्ड बंगाल इन 13th सेंचुरी AD? जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जल्दी से इसका बहुत इजी आंसर है, जल्दी से सब बता दो। वेरी गुड, निधि ने आंसर दिया, अनुपम ने दिया, क्या होगा, क्या होगा सर जी? इख्तियारुद्दीन, बहुत अच्छा, ग्रेट। चलो पांचवा कहता है यहाँ पे, ये भी बहुत इजी है सर जी, बैटल के बारे में पूछा है, विच बैटल डिड ओपन द दहली एरिया टू मोहम्मद गोरी, कह रहा है किस युद्ध ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? कौन सा था? फर्स्ट बैटल ऑफ द, क्या है सर जी? तराइन है, या तराइन की सेकेंड वाली हो गई, या बैटल ऑफ, क्या है, खानवा है, या पानीपत का फर्स्ट बैटल है? कौन सा करेक्ट आंसर होगा जल्दी से बताइएगा। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इज अ करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा, काफी लोग आंसर दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अनुपम भी दे रहे हैं, वेरी गुड अमु, करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंड करता है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग विटनेस द रीजिंग ऑफ 7 सुल्तान ऑफ दिल्ली, कह रहा है निम्नलिखित में से दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासक कौन देखा था? जल्दी से बता दो। सुल्तानों का शासन देखा, किसने देखा? अमीर खुसरो ने देखा था, शेख नुमुद्दीन औलिया ने देखा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने सिस्ती ने देखा था, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा? अमीर खुसरो, क्वेश्चन नंबर 7। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे लाख बख्श या लाख का दाता कहा जाता है? किसे कहा जाता है जल्दी से? इल्तुमिश को कहा जाता है, बलबन को, मोहम्मद बिन तुगलक को, या कुतुब बिन ऐबक को? किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं सर? कुतुब बिन ऐबक को हम लोग क्या कहते हैं? लाख का देवता, या लाख बख्श कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आपको बोलता है सुल्तान प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयमेंट, कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया था? जल्दी से, काश ये अभी भी आ जाए, है ना, कितना अच्छा लगेगा SSC वाले बच्चे। करेक्ट आंसर सर हमारा क्या? फिरोज तुगलक।
करेक्ट आंसर क्या है सर? फिजलोक तिजलक। बहुत अच्छा, सी होगा बच्चा, सी होगा, ठीक है, सी होगा। अनुराग श्रीवास्तव, सी इज अ करेक्ट आंसर, डी नहीं होगा, शेरशाह सूरी नहीं होगा। चलो, तालीकोटा का प्रसिद्ध जो युद्ध हुआ था, लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? फेमस बैटल ऑफ द तालीकोटा वॉज फाउट ईट, कहाँ पे हुआ था, मतलब कहाँ नहीं, कब हुआ था, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो कब हुआ था? 1565 में हुआ था। कब हुआ था सर? 1565 AD में हुई थी, ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन पहला मुस्लिम सैन्य कमांडर था जिसने बिहार और बंगाल को सिंह राजवंश को उखाड़ फेंका था? जल्दी से, महमूद गबन था, बख्तियार खिजली थे, आदिल शाह थे, या शमसुद्दीन था, कौन था, जल्दी से बताइएगा। तो करेक्ट आंसर सर क्या था? बख्तियार खिलजी था। बहुत अच्छा, ग्रेट, बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चा, ठीक है। क्या होगा निधि? ए गलत है, बी किस करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, बी ऑप्शन इज एग्जैक्टली सही। बहुत अच्छा आमू, बहुत अच्छा, ग्रेट। चलो नेक्स्ट आते हैं, इसका 11 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। ये कह रहा है 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? कब का सर? 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया गया था, आपको ये बताना है, जल्दी से बताइएगा कहाँ किया गया था। सभी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। ए, अच्छा, हरिपुरा, और कोई, जल्दी से, सब गलत कह रहे हो। कहाँ पे हुआ था सर? गया में हुआ था। काहे को गलत जवाब दे रहे हो? करेक्ट आंसर सर क्या है? गया में हुआ था। अरे गया में हुआ था, डी, बहुत अच्छा सौरभ कुमार, बहुत अच्छा। करेक्ट आंसर सर क्या है? गया में हुआ था। कहाँ उल्टा सीधा आंसर दिए जा रहे हो? चलो इसको बता दो, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? महात्मा गांधी ने खिलाफत जो आंदोलन था उसका समर्थन इन्होंने जो किया था वो क्यों किया था, आपको ये बताना है, जल्दी से बता दो, जल्दी से, क्यों किया था? जल्दी से, किस, क्यों किया था, जल्दी से। गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत मुसलमानों का समर्थन हासिल करना चाहते थे, ठीक है, ध्यान रखना, सपोर्ट चाहते थे खिलाफत में मुस्लिम के अगेंस्ट ब्रिटिश पे, इसलिए इन्होंने क्या किया था, खिलाफत करी थी, यहीं से तो कहा खेला खेला गया था। वेरी गुड। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम में पूछ सका होगा, है ना, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, जल्दी से, तो कब किया गया था, जल्दी से बताना सर। बहुत अच्छा, 1919 में किया गया था। कब किया गया था सर? 1919 में, 20 में नहीं है। तान्या, बहुत अच्छा, ग्रेट। सौरभ, 20 में नहीं है बाबू, निधि सही बोली है। 12, 13 का बताओ, आप लोग आंसर ऐसे करो, ठीक है, 13 का ए, 13 का बी, या 14 का ए, ऐसे करके, क्योंकि ना कुछ लोगों का क्या हो रहा है, लेट कमेंट आ रहा है तो हमें लेट दिखाई दे रहा है ना, तो इससे फायदा हमें मिलेगा कि लोगों का आंसर पता चल जाएगा। हाँ, 1919 करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये इसका पूरा डिटेल है, पहले का न्यूज़पेपर मैंने लगा दी थी ऐसे ही। चलो 14 नंबर क्वेश्चंस पे हम लोग आ चुके हैं। 14 नंबर हमारा क्या है कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने में निम्नलिखित में से किसने असंवेदनशील अपशिष्ट के रूप में लिया था? किसने लिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली, लॉर्ड रेडिंग, मोतीलाल नेहरू, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर ली थी। क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 15, बताइएगा जल्दी से क्या होगा। कहता है गिरफ्तारी के विरुद्ध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बड़ा सांड इकट्ठा हुआ था, जल्दी से बता दो क्या था वो। डॉक्टर सैफुद्दीन किचू और डॉक्टर सतपाल, ठीक है, प्रोटेस्ट के लिए काफी लोग जुड़े हुए थे। 16 का आंसर बता दो, 16 का आंसर क्या होगा? मोटिवेशनल हंट, बहुत अच्छा, आप भी आ गए, चलो अच्छा लगा आपको देख के। 15 का डी, बहुत सही था, बिल्कुल अमू गुप्ता आपका सही था। 15 का सी गलत है, डी होगा। चलो FMC का भी सही है, अनुराग श्रीवास्तव का भी सही है, बिल्कुल 15 का डी है, बिल्कुल सही था। अनुपम गर्ग, इसका बताइए 16 का क्या होगा, जल्दी से।
16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। सिक्सटीन का बी, नहीं गलत है। 16 का करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च, दांडी मार्च भाई महात्मा गांधी, ए होगा 16 का, ध्यान रखिएगा 16 का ए। वेरी गुड न्यू इंडिया, बहुत अच्छा। 17 बताना, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का जो रीजन था, मेन रीजन था, वो क्या था? मेन रीजन फॉर द बायकॉट ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया, जल्दी से, साइमन कमीशन इन इंडिया, क्या रीजन था इसको बायकॉट करने का? तो मेन क्या था सर जी? इंग्लिश मैन थे पूरे, ऑल द मेंबर्स वर इंग्लिश मैन, जितने सारे मेंबर्स थे पूरे इंग्लिश मैन थे, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, बायकॉट चलाया गया था। 18 का बताइएगा, बहुत अच्छा तान्या, बहुत अच्छा अनुराग श्रीवास्तव, बहुत अच्छा, ग्रेट। चलो सभी आंसर बताइएगा क्या होगा, 18 का आंसर क्या होगा, जल्दी से। तो क्या होगा, निम्न घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम का पता लगा दीजिए, आपको बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, आपको बताना है क्या होगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे पहले हुआ था, हाँ सर ठीक है, व्यक्तिगत संग्रह नहीं, उसके बाद सर हाँ ये भी सही है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद सर हमारा क्रॉप्स हुआ था, क्विट नहीं हुआ था, ये होगा, फिर ये होगा, ये नीचे चला जाएगा तीसरा वाला, मतलब 1 2 4, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट, पहला कब हुआ था? सिविल सिविल ये मूवमेंट हुई थी, ध्यान रखना, अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद व्यक्तिगत हुआ था, इंडिविजुअल हुआ था, उसके बाद सर क्रिप्स हुआ था, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओहो नेटवर्क इशू है। चलो 18 का ए, बहुत अच्छा, वेरी गुड अमू, बहुत अच्छा अनुपम, बहुत अच्छा, ग्रेट। नेक्स्ट आ जाओ, अब यहाँ पे क्वेश्चन और कहता है, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा महात्मा गांधी जैसे क्षणभंगुर प्रेत धूल उठाते लेकिन स्तर नहीं, किसने कहा था जल्दी से? फ्लिटिंग फैंटोम रेज अ डस्ट बट नॉट द लेवल, डॉक्टर कौन कहा था? बी आर अम्बेडकर ने ये बातें कही थी, किसने कहा था सर? बी आर अम्बेडकर ने ये बातें कही थी, ठीक है, 19 का ए करेक्ट आंसर होगा। चलो अब हम लोग ये खत्म कर लिए 20 क्वेश्चन के, किसके, हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन खत्म हो गया, अब ज्योग्राफी चालू होगा, ज्योग्राफी के भी 20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान प्रकाशित निम्नलिखित में से क्या बोलता है सर? अवधि का नाम है, क्या नाम है जल्दी से बताइएगा, अफ्रीकन था या इंडियन गैजेट था या क्या था सर जी? नवजीवन था या इंडियन ओपिनियन था? तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा? इंडियन ओपिनियन था भैया, इंडियन ओपिनियन को इन्होंने किया था, ठीक है। 19 का ए, जियोग्राफी बाबू, GEO होता है, अनुगुप्ता, अमुगुप्ता, जियो जियो मोबाइल ज्यादा यूज कर रहे हैं क्या, जियोग्राफी लगा दिया है। 20th का डी, वेरी गुड, सही, अच्छा है आंसर, न्यू इंडिया ने भी सही दिया, अनुपम ने भी अच्छा आंसर दिया हुआ है, अरे मेरे भाई अनु अमू गुप्ता आदत सुधार लो, लर्निंग ऐप पे भी ऐसे ही करता है, यहाँ भी ऐसे ही कर रहा है। चलो निधि बहुत अच्छा, हाँ देखा, तान्या भी कह रही है, ठीक है समझ में आया भाई, जियो का मोबाइल कम यूज कर करो और नेट अभी कम यूज करो, है ना, गड़बड़ हो रहा है ना। चलो वेरी गुड निधि, बहुत अच्छा अमू, बहुत अच्छा, चलो सभी ने कर लिया। अब हम लोग आ गए हैं सर जी जियोग्राफी पे, आ चुके हैं, जियोग्राफी के कितने क्वेश्चन है सर? 20 क्वेश्चन हमारे को करना है, ठीक है। चलो ये सब व्हाट्सएप का देन है, फेसबुक का देन है, इंस्टा का देन है, सब है, ये बच्चों में स्मार्टनेस भर दिया है, पता है, फेसबुक आके, FB आके स्मार्टनेस भरा ही था पहले से, व्हाट्सएप आके थोड़ा सा उसको शार्प कर दिया, अब जैसे जैसे व्हाट्सएप आया मॉडर्न चेंज हो रहा है, वैसे भैया इंस्टा बाबा भी आ गए हैं, इंस्टा बाबा आके तो ऐसा कर दिए हैं ना कि पूछो मत, इन्होंने नरक कर दिया है आके, ठीक है। तो बच्चों को इंस्टा बाबा आया साथ में, भैया अंबानी बाबा कह लो भैया, बाई वन गेट वन फ्री, अंबानी बाबा भी आके दे दिए, तो अच्छा खासा बच्चों का बेनिफिट हो रहा है। बच्चे एक चीज़ तो सच्चाई है, बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी हो जा रही है ऑनलाइन मीडिया पे, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, उनकी राइटिंग देख लो, जैसे व्हाट्सएप पे जो टाइप करते हैं उनकी राइटिंग देखो, कितना प्यारा लगता है राइटिंग, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो
अब यहाँ पे सर हम जियोग्राफी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, कितने 20। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सही आंसर देंगे, गलत नहीं देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे पहला कह रहा है, भारत में पहाड़ों के स्थानों पर विचार करें, ये जहां पे पूरा पहाड़ आपको दिख रहा है, निम्न में से कौन दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में लगा हुआ है। ठीक है, माउंटेन्स की बातें कह रहा है, कंसीडर द लोकेशन ऑफ द माउंटेन इन इंडिया, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इन राइट सीक्वेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ध्यान रखिएगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ आपको जाना है, सीक्वेंस बिल्कुल सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से आपको माउंटेन मिलेंगे आपको ये बताना है। ठीक है, तो आराम से पढ़िए फिर आंसर दीजिएगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा जल्दी से, डोडा बेटा होगा, कैलाश, फिर या कैलाश होगा, धौलागिरी होगा या विंध्याचल होगा। फिर क्या है सर जी, डोडा बेटा होगा, विंध्याचल होगा, धौलागिरी होगा, कैलाश होगा, या धौले दीजिए, कैलाश, डोडा बेटा या विंध्याचल, या धौलागिरी, विंध्याचल या डोड बेटा या कैलाश, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। अब आपको यहाँ पे ज्योग्राफी है तो वन करेंगे, ठीक है, वन का आंसर ऐसे करके आप लिख के भेजेंगे, जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले पूछा हुआ है, ठीक है, लोकेशन माउंटेन टू इंडिया, साउथ से होते हुए नॉर्थ जाना है। ठीक है, तो पहले हमारा करेक्ट आंसर तो ये बिल्कुल सही लग रहा है सर जी, ठीक है, डोडा बेटा बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन उसके बाद सर जी कैलाश कहाँ से आ गया, कैलाश तो बाद में आएगा ना, कैलाश अंतिम में आएगा सर, ये नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ में पड़ता है कैलाश, तो इसका मतलब सर ये ऑप्शन तो हमारा पहले कैंसिल। अब बात आता है सर डोडा बेटा, ये बिल्कुल सही लग रहा है, क्यों, क्योंकि सर आप देख रहे हो ये हमारा पड़ता है किधर, साउथ में, फिर उसके बाद हमारा किधर आता है, धीरे धीरे हम नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं, विंध्याचल की तरफ चल रहे हैं, फिर सर धौलागिरी, कैलाश, बिल्कुल सही है, सेकेंड ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन, समझ में आ गया। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, वन का बी, बहुत अच्छा, सब आंसर दे रहे हैं। राम जानकी हो गया, की हो गया, कोई दिक्कत परेशानी, हलचल हलचल तो सही है ना। देखो यहाँ पे पूरी चीजें आपके डिब्बा में यहाँ पे सब रखा हुआ है, टील्स ऑफ द पेनिनसुला इन इंडिया, कैसे कैसे है सब कुछ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बड़े काम का है। ठीक है, पूरी चीजें यहाँ पे लिखिए, कैसे कैसे क्या क्या है, कितने सारे हिल्स हैं, ध्यान रखो इंडिया में जितने सारे हिल्स हैं सबको मैंने कोशिश किया आपके सामने प्रेजेंट करने का। देखो यहाँ पे सब कुछ है, समझ में आ रहा है, जितने सारे हिल्स है सबको लाइन से मैंने करते हुए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिख लेना, बहुत काम की है। ठीक है, जितने सारे हिल्स है स्क्रीनशॉट ले लो और इसे कॉपी पे अपने लिख लेना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बातें, सबको मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी से बताओ जल्दी से। ये अरावली रिल्स इधर भी है, ठीक है, इधर से आ जाओ, इधर से होते हुए, या आप अपने हिसाब से करना, क्या करना है, जैसे जैसे इधर आप गुजरात है, गुजरात में कौन सा पड़ेगा, इधर कौन सा पड़ेगा, यहाँ पे स्टेट डालो और वहां का पूरा लिख लो, इससे क्या होगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आप नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, मैं एक मैप और तैयार किया हूँ, रखा हूँ, ठीक है, उसको स्पेशल वाली क्लास में जब पढ़ाएंगे ना तो उसी मैप में आपको लिखवाते चलेंगे कि इस एरिया में अगर ये राज्य है तो यहाँ पे कौन कौन से हिल्स हैं, ऐसे करके आपको पढ़ाते हुए चलेंगे, तो वो चीज़ एकदम रट जाएगी। ठीक है, जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, नहीं लिया है कोई बात नहीं, हम आपको बाद में समझा देंगे। चलो ये करो, यहाँ पे अब आपको कहना है यहाँ पे कि ओल्डेस्ट रॉक्स फॉर्मेशन बताना है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग सिस्टम कंटेन द ओल्डेस्ट रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रणाली में भारत का सबसे पुराना चट्टान निर्माण है, अरावली में है, आर्कियन में है, कडप्पा में है या विंध्यन में है। कडप्पा मतलब वो कंडप्पा नहीं है, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताओ, दो का आंसर क्या होने वाला है जल्दी से बताइएगा, सेकेंड का आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा न्यू इंडिया, बहुत अच्छा, अब उसको बैठ के आराम से कॉपी पर लिख लेना, सेकेंड का ए तान्या कह रही है। ठीक है, और कोई, और कोई, 44 क्या होता है, सेकेंड का ए अनुराग श्रीवास्तव भी कह रहे हैं, और कोई बताओ ए 2 का बी, निधि सिर्फ अकेले आंसर बहुत अच्छा दिए, आर्कियन है, क्या है सर, आर्कियन सिस्टम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सबसे ओल्ड रॉक्स फॉर्मेशन है इंडिया का। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब गलत जवाब, तुक्का खाली मारे जा रहे हैं। निधि बहुत अच्छी बच्ची है, करेक्ट आंसर दे रही है, पढ़ने वाली है। ठीक है, देखो सबसे पुराना सिस्टम कौन सा है, ये दिखाई दे रहा है आपको, आर्कियन है, उसके बाद सर धारवा है, फिर उसके बाद क्या है, कुडप्पा है, ये तीनों को लिख लो मेरे भाई, बहुत काम का है। ठीक है, ये तीनों लिख लेना, बहुत काम का है, समझ में आया, ये राम जानकी किससे बात की जा रही है, आंसर पे ध्यान दो बेटा, आंसर पे। ठीक है, चलो
दिहांग दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि इन विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट इन द दिहांग दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे दोनों चीज कवर होगा, जियोग्राफी भी है प्लस यहाँ पे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व के उसमें चला आएगा स्टैटिक जीके में, तो दोनों चीज आपका कवर हो जाएगा। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से। अच्छा, अनुपम ने दिया था। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, तीसरे का? ठीक है, बी। अनुराग श्रीवास्तव कह रहे बी। और कोई अनुराग के संग कोई और भी जानना चाहता है तो अगर जाओगे तो पता है अनुराग बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश इज ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ पे डिबेट है, बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया कहाँ कहाँ पे? सर जी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है, ये पूरी चीजें है, हिमाचल में है, कट गया है ऊपर में, ठीक है। फिर कहाँ है सर जी? उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके बाद सर कहाँ है? सिक्किम में भी है, ध्यान रखिएगा। फिर अरुणाचल प्रदेश में हम लोग अभी पढ़ा है, हम लोग डिहांग डिहांग पढ़ के पढ़े हुए हैं, ठीक है। यहीं पे एक और भी है, आसाम में भी है सर, मेघालय में भी है सर, ध्यान रखिएगा, सुंदरबन भी है सर जी, उड़ीसा में भी है सर जी, ठीक है। यहाँ पे भी पनामा, ध्यान, ये सब चीजें आपके लिए बहुत काम आने वाला है। इसको कॉपी में करके लिख लेना कहाँ कहाँ क्या क्या है, ये बहुत काम का है, ठीक है, ये बहुत काम का है, इसको कॉपी में लिख लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? बीबी ही होगा, हाँ हमें भी पता है बीबी ही होगा। चलो आगे आ जाओ। कंचनजंगा में स्थित है, देखो ये दोनों काम हो रहा है, जियोग्राफी प्लस आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो रहा है, ठीक है। जल्दी से बता दो कि कंचनजंगा जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, जल्दी से। कंचनजंगा याद करो, मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था सर जी, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक क्या हुआ था, वाटर रिसोर्स पे बात चल रही थी, किसी को याद आ रहा है? वाटर रिसोर्स मीटिंग पे क्या हो रही थी सर? मीटिंग पे मीटिंग हो रही थी जब बांग्लादेश क्या हुआ था सर जी, 1971 में आजाद हुआ था, एक राष्ट्र बन के आया, एक देश बन के आया था। तो उस टाइम क्या हुआ था, बांग्लादेश को खाने पीने के लिए भैया कुछ चाहिए था, तो वहां पे एक नदी बह रही थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस नदी का नाम क्या था, कौन बताएगा? मैंने पढ़ाया था यहाँ पे, कौन बताएगा कि इस नदी का क्या नाम था जो हाल ही में वाटर रिसोर्स पे मीटिंग बांग्लादेश और इंडिया के बीच में हो रही थी, जल्दी से कौन बताएगा? बिल्कुल सही है, सिक्किम में है। कहाँ है सर? सिक्किम में है, जल्दी से। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था कि यहीं से, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग केटू भी बोलते हैं, ठीक है। कंचन गंगा जो होता है एक बहुत बड़ा पर्वत हिल की तरह है, वहीं से क्या करती है, एक नदी क्या करती है, बहती है, ठीक है, चुम्मा, ठीक है, सुने ही नहीं, वो दूसरी चीज है, ठीक है। वो अभी जो रिसोर्स से बात चल रही है वही चल रही थी कि इस नदी का जो पानी है ना, वेस्ट बंगाल होते हुए, सिक्किम से निकलती है, वेस्ट बंगाल होते हुए ये कहाँ चली जाती है सर? इधर चली जाती है, मतलब सर जी सिंपल सी बात है, ये कहाँ जाती है? इधर जाती है, तो बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में बहता क्या है सर जी? बांग्लादेश में, हमारे इंडिया में ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना, बांग्लादेश में जाके यमुना हो जाती है, जमुना हो जाती है, क्या हो जाती है सर जी? ध्यान रखिएगा, जमुना हो जाती है। तो अगर आप एग्जाम में ये पूछ दे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आप लोग को पढ़ाया है बहुत अच्छे से, जाके मेरी सुबह वाली क्लास में देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक वाटर रिसोर्स मीटिंग हुई थी, वो किस नदी के लेके हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे नदी कहाँ कहाँ से बहती है, मैंने ये भी पढ़ाया है, एक एक एनालिसिस मैंने कराया हुआ है, ठीक है। समझ में आया? तो ये सब चीजें आप लोग दिमाग में बैठा लो और जाके क्लास देख लेना। देखो यहाँ पे बह रही है, दिखाई दे रहा है, सिक्किम यहीं पे है, और इधर से यहां से एक नदी बहती है, बहते हुए ये इधर निकल जाती है बांग्लादेश की तरफ। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा, ध्यान रखिएगा, भारत के द्वीपों का प्रवाल समूह है, ठीक है, कोरल ग्रुप ऑफ द आइलैंड ऑफ इंडिया, किसे कहते हैं? अंडमान, लक्षद्वीप, मिनिकॉय या निकोबार, किसको कहते हैं? जल्दी से बताओ। तो सर किसको कहते हैं, जल्दी से सभी आंसर बताओ। अनुराग श्रीवास्तव आप सही मारो ना, तो उसको तुक्का मारने दो, कोई दिक्कत नहीं, वो एक्सपर्ट है तुक्का मारने में, उसका सही भी हो जाता है, निधि का बिल्कुल सही होता है तुक्का, अगर मारती भी होगी बच्ची तो वो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी से मारती है। आप आंसर दो जल्दी से। अनुपम अभी है, क्वेश्चन बहुत है, अभी अभी बाकी है कई सारे। करेक्ट आंसर सर हमारा क्या, लक्षद्वीप इज अ करेक्ट आंसर। क्या है सर? लक्षद्वीप। बिल्कुल गलत जवाब है तान्या, सही आंसर दो। चलो
ये यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल्स है। आगे आते हैं सर, कहता है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मिल केंद्र कहा जाता है? विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटीज इज कॉल्ड द जीरो मिल सेंटर ऑफ इंडिया? जल्दी से बता दो किसको कहते हैं, छठे का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। अभी 40 क्वेश्चन और है, 50 क्वेश्चन। अमो गुप्ता कह रहे हैं 50 बी, ठीक है। और कोई जल्दी से बता दो, और कोई भाई बता दो जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या है सर जी, नागपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं सर, ध्यान रखना नागपुर को कहा जाता है। अब थोड़ा फास्ट चलते, नहीं छूट जाएगा, ठीक है। कहता है डोडा बेटा शिखर में स्थित है, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है आपको बताना है। डोडा बेटा पिक जो है लोकेटेड इन द कहाँ पे है, अनामलाई है, अनिमलाई है, या महेंद्रगिरी है, या सिवरोस है, या नीलगिरी है, कहाँ पे है जल्दी से बताओ, कहाँ पे है जल्दी से बताइएगा, कहाँ पे है सर? तो कहाँ रहा है सर, नीलगिरी पे, ध्यान रखिएगा कहाँ पे है सर, नीलगिरी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स है इसका। नेक्स्ट आ जाओ। कहता है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? असम ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, मणिपुर इम्फाल, नागालैंड शिलांग। कुछ तो गड़बड़ है सर जी, कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। कुछ तो गड़बड़ है सर जी। सर जी असम ईटानगर सही है, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी सही है सर जी, मणिपुर इम्फाल सर ये अजीब लग रहा है सुनने में, नागालैंड शिलांग सर बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा सर, यही है, सही ढंग से मेल खाता है, जल्दी से, ये सब गड़बड़ लग रहा है सर, यही है, मणिपुर इम्फाल बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो पूरा कैपिटल हमने लिख दिया। आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद होता है सर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर होता है, आसाम दिसपुर होता है सर, बिहार पटना होता है सर, ठीक है, छत्तीसगढ़ सर रायपुर होता है सर जी, गोवा सर जी पणजी होता है सर, गुजरात गांधीनगर होता है सर जी, हरियाणा चंडीगढ़ होता है सर जी, हिमाचल प्रदेश शिमला होता है सर जी, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर एंड जम्मू दोनों अलग अलग होता है, 6 महीने समर में ये होता है, समर में विंटर में वो, झारखंड रांची होता है, कर्नाटका बेंगलुरु होता है, केरला का है, भोपाल का है, मतलब मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ाऊंगा टाइम टेकन हो जाएगा, आप एक काम का है। नेक्स्ट आ जाओ, नव गठित तेलंगाना राज्य चारों ओर से घिरा है किससे, कितने सारे स्टेट से घिरा है? न्यूली फॉर्मड स्टेट ऑफ तेलंगाना आर सराउंडेड बाई, कितने सारे राज्यों से चारों तरफ से घिरा हुआ है आपको ये बताना है, जल्दी से बता दो जी आप सभी लोग, फटाफट इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो क्या होने वाला है सर, ध्यान रखिएगा, चार स्टेट से सर घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, चार स्टेट से सर क्या है, घिरा हुआ है। मनोहर बहुत अच्छा, ग्रेट। चलो यहाँ पे आप देखो तेलंगाना यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, किससे घिरा हुआ है, पहला छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है इधर से, फिर महाराष्ट्र से इधर से घिरा हुआ है सर, इसके बाद कर्नाटका सर बगल में आपको दिखाई दे रहा है, और आंध्र प्रदेश सर ये पड़ोस में दिखाई दे रहा है नीचे में, इससे क्या है तेलंगाना हमारा घिरा पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? अमू राम जानकी समझ में आ रहा है, न्यू इंडिया सबको समझ में आ रहा है, अनुपम समझ में आ रहा है, जितने सारे बच्चा लोग हैं यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है कि तेलंगाना कितने सारे राज्य से घिरा हुआ है, तो चार राज्यों से घिरा हुआ है ये आपको दिखाई दे रहा है, चारों राज्य, समझ में आया? एमपी एपी एम एम एच है ना, महाराष्ट्र एम एच है, एपी है, छत्तीसगढ़ है, केंट है, सही है, अमो गुप्ता नीलगिरी, हाँ बहुत अच्छा, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गुजरात राज्य से संबंध नहीं है आपको बताना है, ठीक है, गुजरात राज्य से संबंध नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। ये रहा आपका आंसर, बताओ क्या होगा इसका। तो हमारे को लगता है सर जी गुड़ई क्रिक, क्या है सर, गुड़ई क्रिक का जो है राज्य से संबंध नहीं है, ठीक है, राज्य से संबंध नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोरी तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर, है ना, कज्जर फिक गुजरात यहाँ पे है, ईस्टर्न, हाँ ठीक है, इसी का नहीं है, ठीक है, घोड़ी क्रिक। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवाल भित्तियां हैं आपको बतानी है, फॉलोइंग क्या है, कोरल रीफ के बारे में बताना है, कौन सा कोरल रीफ है जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताओ, इसका 9 क्वेश्चन और कर ले कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी से कर लो भाई, 9 क्वेश्चन और कर लो, जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, जियोग्राफी कंप्लीट होगा, ध्यान रखिएगा, JIO जियोग्राफी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा अम्मू ने लिखा था, ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। अम्मू कह रहे D 1 2 एंड 3, जल्दी से, और कोई, और कोई,
करेक्ट आंसर सर हमारा क्या होगा, 1 2 3 वनली होगा, 1 2 और 3 होगा, चौथा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे पूरा देखो लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इधर बे ऑफ बंगाल में ये दो इधर पड़ते हैं, गुल्फ ऑफ मन्याम होता है, लक्षद्वीप होता है, मालवन होता है, अरेबियन सी के ऊपर जाओगे गुल्फ ऑफ कच्छ होता है। ठीक है, अच्छा आपका फेवरेट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, 10 डिग्री चैनल, ध्यान रखिएगा 10 डिग्री चैनल की बातें कह रहा है, द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप समूह दूसरे से अलग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री पे किससे अलग है आपको ये बताना है। ये रहा आपका पोल, अरे पोल तो है ही नहीं यार, आधा छो चुका है बोलने का। करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा, करेक्ट आंसर सर हमारा क्या होगा, सेकंड ऑप्शन नंबर 2 निकोबार और सुमित्रा होगा। ध्यान रखिएगा थोड़ा जल्दी फास्ट चलते नहीं छूट जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा विचार करने पर उचित कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट द रीजन फॉर द कंसिडरिंग। पहला है आपके सामने, ध्यान रखना यहाँ पे कह रहा है कि गुंडवाना जो रॉक्स होता है एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया क्या है, जल्दी से बताओ। मोर देन 90% लाइमस्टोन रिजर्व ऑफ इंडिया आर फाउंड इन दैम, यहाँ से किया जाता है। 90% इंडिया कोल रिजर्व कहाँ से करते हैं, या आपको बोलता है फर्टिलाइज ब्लैक कॉटन सोयल करते हैं, या कहता है कि नन ऑफ द रीजन ऑफ गिवेन अबव द अप्रिशिएट इन द कॉन्टेस्ट, क्या होगा जल्दी से बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से, तो करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इंडियाज का क्या करते हैं 90% से ज़्यादा कोल रिजर्व आर फाउंड देम, कहाँ से, गोंडवाना चट्टान से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 13 का बताओ बच्चा क्या होगा आंसर, 13 का ये है पूरा, ये पूरा एरिया है, दिखाई दे रहा है ये पूरा एरिया कवर हो जाता है। ठीक है, इतना पूरा एरिया इस तरह का, यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया, टोटल 16 है। कितना है सर, टोटल 16 है। ठीक है, कोल फील्ड इन इंडिया कितना है सर, 16 है, ये लिख लेना बहुत काम का है। टोटल कितने हैं सर, 16 है। कोल फील्ड इन इंडिया कितना है सर, 16 है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा टोटल, इसलिए मैंने मैप के थ्रू आपको सामने डाल दिया है। आगे बढ़ो, भारत में निम्नलिखित में से किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे पाया जाता है, आइलैंड में, किस आइलैंड में पाया जाता है। 14th का बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से, 14th का करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है जल्दी से, 14 का आंसर क्या होने वाला है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर सर हमारा क्या है, बैरियर आइलैंड होता है, बंजर द्वीप कहते हैं इसको, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा वेलकोनो ऑफ अंडमान आइलैंड में भी आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारे, और यहाँ पे हमारा मेन है जिसका आंसर है, इसकी डिटेल से आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आ दो, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। मध्य प्रदेश जो है ना अपना स्टेट कितने सारे शेयर इट्स बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट, कितने सारे स्टेट के संग अपनी बॉर्डर करती है, जल्दी से बताओ शेयर क्या होगा जल्दी से। तो कितने सारे सर, 5, कितने सारे सर, 5 स्टेट से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपको भोपाल दिखाई दे रहा है बीच में, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है सर छत्तीसगढ़ बगल में है, फिर उत्तर प्रदेश भी सर आपको दिखाई दे रहा है बगल में है, फिर क्या है राजस्थान भी बगल में है सर जी, फिर गुजरात भी बगल में है सर जी, और महाराष्ट्र भी बगल में है सर जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 15 का 5। ठीक है, देखो क्या है, पहले उत्तर प्रदेश एकदम बगल में सटा हुआ है सर, दिखाई दे रहा है हमारा, उसके बाद सर हमारा क्या राजस्थान भी बगल में सटा हुआ है सर, पड़ोस में, उसके बाद सर गुजरात भी हमारे को बगल में दिखाई दे रहा है, इधर से आप महाराष्ट्र को देख रहे हो और इधर से आप छत्तीसगढ़ को बगल में देख रहे हो, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, पांचों तरफ से घिरा पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर आपके एग्जाम में ये पूछ दे कि झारखंड कितनी तरफ से घिरा हुआ है, तो देखो झारखंड यहाँ पे है, ठीक है, झारखंड के बगल में देख लो, उड़ीसा से घिरा पड़ा है, छत्तीसगढ़ से घिरा पड़ा है, और यूपी से भी घिरा पड़ा है थोड़ा सा, अगर देख लो पटना से भी है, मतलब बिहार से भी है, और वेस्ट बंगाल से घिरा पड़ा है। ठीक है, ऐसे करके मैप में आप खुद से बनाया करो, बड़ा काम आएगा। जैसे हरियाणा और दिल्ली की बातें है, देखो ये जयपुर, पंजाब, ठीक है, चंडीगढ़ भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश से भी है, और देहरादून से, इधर से पूरा तरह से क्या है वो यूके से फैला पड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, कैसे कैसे कौन किस स्टेट से घिरा पड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं?
नहीं आया। अब जैसे तेलंगाना पूछ देगा तो तेलंगाना यहाँ पे है। अब तेलंगाना किससे किससे घिरा है सर? महाराष्ट्र से भी हमें दिखाई दे रहा है, कर्नाटका बेंगलुरु से भी दिखाई दे रहा है, आंध्र प्रदेश से भी दिखाई दे रहा है और छत्तीसगढ़ से भी दिखाई दे रहा है। तो ये अपने कॉपी पे आप लिखते रहा करिए, ठीक है? ऐसे ही मैप से हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन एक भूमि बंद राज्य है? लैंड लॉक स्टेट कौन सा है आपको ये बताना है, जल्दी से बताओ। लैंड लॉक जो स्टेट है ना वो कौन सी है आपको ये बतानी है। लैंड लॉक जो स्टेट है ना वो कौन सी है आपको ये बतानी है, जल्दी से बताइएगा। लैंड लॉक जो स्टेट है ना वो कौन सी है? तो सर कौन सी है? मध्य प्रदेश है। अभी आपने देखा तो ये देखिए चारों तरफ से लॉक्ड है, पांच तरफ से है, चारों तरफ से तो लॉक्ड है, कहीं से ऑप्शन ही नहीं है। करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश है, आप देख सकते हो। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है ये मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से तो लॉक है, कहीं से ऑप्शन ही नहीं है। बेचारे को बाहर निकले, कहाँ से निकलेगा, निकल मेरे भाई कहाँ से निकलेगा, ठीक है? पूरी तरह से लॉक्ड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पिक एंड बताना है, कौन सी हाईएस्ट पिक कौन सी अंडमान एंड निकोबार की आइलैंड की सबसे हाईएस्ट कौन सी है आपको ये बतानी है, जल्दी से बताओ। कौन सी है सर जी? सैडल पीक कहते हैं, जो कि अंडमान निकोबार का सबसे हाईएस्ट पीक कहा जाता है। कौन सा सर? सैडल पीक को हम लोग कहते हैं। बहुत अच्छा, निधि भी बहुत अच्छा कर रही है, अमू भी बहुत अच्छा कर रहे हो, तानिया भी अच्छा कर रहे हो, है ना? अंकित राज आप आए हो लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हो, जानकी भी अच्छा कर रही है, निधि भी अच्छा कर रही है, ठीक है? जितने बच्चे हैं अभी सब फिलहाल अच्छा कर रहे हैं। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों में से एक है, जो कर्क रेखा होता है ना उससे कौन कौन से जो राज्य गुजरते हैं ना, तो बताना है इसमें से कौन सा वो राज्य है जो कर्क रेखा से होकर ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर से होकर गुजरती है, पास होती है, ठीक है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार या झारखंड, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा? झारखंड इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है? आप लोग ऑप्शन नहीं दे रहे हो, जल्दी जल्दी ऑप्शन करो। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये आपको दिखाई दे रहा है ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर सर, यही इसी को तो हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर सर, यही तो होता है हमारा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कौन कौन है सर, गुजरात है दिखाई दे रहा है, ठीक है? फिर क्या है सर, राजस्थान भी हमारे को दिखाई दे रहा है सर, उसके बाद सर हमारा मध्य प्रदेश है सर, हमारे को दिखाई दे रहा है सर, छत्तीसगढ़ भी है सर, आप देखो यहीं पे चौथा छत्तीसगढ़ है, फिर यहाँ पे कौन है सर, हैदराबाद भी है सर, और यहाँ पे देखो सर वेस्ट बंगाल भी है सर जी। तो ये ऐसे करके जानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पूरी चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? 18 का डी बिल्कुल सही दिया है, ठीक है? इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, बहुत काम आएगा। नेक्स्ट आ जाओ। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन से हैं, जल्दी से? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के जो सबसे बड़े राज्य हैं वो कौन से हैं आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर सर क्या है? राजस्थान सबसे बड़ा है, ठीक है? बिल्कुल क्षेत्रफल के में, फिर मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र है, बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, कुछ देखना ही नहीं है। चलो यहाँ पे आता है 90 ईस्ट रीच कहाँ स्थित है आपको बताना है, ठीक है? जल्दी से बता दो। ये यहीं पे तो हमारे को दिखाई दे रहा है फिगर में सर, ये दिखाई दे रहा है, जल्दी से बता दो कहाँ पे है। तो कहाँ पे है सर? इंडियन ओशियन में है, ये ओशियन भी तो हमारे को दिखाई दे रहा है, इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में सर। चलो ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारे आए हैं स्टैटिक्स जी के, तैयार करें सभी स्टैटिक्स के लिए। स्टैटिक्स के बाद बिग्स क्वेश्चन और है, मिक्सलेनियस है, ये भी बड़े काम के हैं आपके, ठीक है? ये भी बहुत काम के हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा, बताना है आपको सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है ना, JNPT जो है ना, कहाँ पे सिचुएटेड है आपको बताना है। इसको बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, इसमें एनालिसिस नहीं है, जल्दी से। किस राज्य में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ये 10 ही क्वेश्चन, ये भी 20 क्वेश्चन है, ठीक है? कहाँ पे है सर जी? केरल में सिचुएटेड है। कहाँ पे है सर? ध्यान रखिएगा, केरल में सर सिचुएटेड है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ। कहता है सोलायर बांध जो है डैम, सोलायर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सोलायर जो डैम है ना वो कहाँ पे है? अमू जल्दी से बताओ कहाँ पे आंसर होगा। सोलायर जो डैम है ना लोकेटेड इन विच स्टेट, कहाँ पे है जल्दी से? तो ये सर कहाँ पे है ध्यान रखिएगा। सर मैंने इसका ऑप्शन गलत बता दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, जवाहरलाल नेहरू कोई बोल भी नहीं रहा है सर, केरल नहीं होगा, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर सर क्या है? महाराष्ट्र इज अ करेक्ट आंसर। बोलते काहे नहीं हो आप लोग कि सर ऑप्शन स्टैटिक जीके का पहले का ऑप्शन क्या है सर? बी है, ए नहीं है। बोला करो भाई, आंसर पता है लेकिन मिस्टेक से बायोमेट्रिक हमने कुछ और लगा दिया है। दूसरे का आंसर कह रहे हो तमिलनाडु,
जल्दी से सभी लोग बताओ क्या होगा। तो वेरी गुड, तमिलनाडु इज अ करेक्ट आंसर बोला है सभी लोगों ने। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है तेलंगाना में निजामाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। निजामाबाद इज अ तेलंगाना इज लोकेटेड ऑफ द बैंक ऑफ विच रिवर, किस रिवर के ऊपर है। जल्दी से बताइएगा किस रिवर के ऊपर में है, जल्दी से किस रिवर के ऊपर में है। तो ध्यान रखिएगा गोदावरी रिवर के ऊपर में बसा हुआ है क्या तेलंगाना का निजामाबाद। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे कह रहा है तरंगा मेल नृत्य किस राज्य के सबसे अधिक सराहना लोक नृत्यों में से एक है। स्टैटिक जीके कर रहे हैं, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो होगा सर जी गोवा इज अ करेक्ट आंसर। क्या होगा सर, गोवा होगा बच्चा जानकी, गोवा इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। पंडित शंकर घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ठीक है, पंडित शंकर घोष किस वाद्य वंश से संबंधित है आपको ये बताना है, जल्दी से बताइएगा। तो करेक्ट आंसर सर क्या है, तबला से है। किससे सर जी, तबला से रिलेटेड है। बहुत अच्छा, अरे नंबर डाल के करो ना आप लोग, नंबर जितने सारे लोग आंसर दे रहे हैं ऐसे नंबर डालो ना, 5 का A 5 का B, क्योंकि ना किसी किसी का नेट अगर स्लो चल रहा है तो उसके कमेंट हमें लेट में आ रहे हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कि बी किसका है ए किसका है। आप लोग क्या करो नंबर डाल के आंसर दो, 5 का A 5 का B, उससे क्या होगा ना हमें पता चलता रहेगा कि किसका आंसर सही आ रहा है ना। समझ में आ रहे हैं, तो तबला हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। भारत में कहाँ स्थित है बारबती स्टेडियम, कहाँ पे जल्दी से बता दो। बारबती जो स्टेडियम है ना वो इंडिया में कहाँ सिचुएटेड है आपको ये बताना है जल्दी से। तो कहाँ पे है सर जी बारबती स्टेडियम, हमने सुना है सर जी उड़ीसा में लोकेटेड है। कहाँ पे है सर जी, उड़ीसा में सर लोकेटेड है। 5वें का C बिल्कुल सही था, उड़ीसा में सर लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा। 7वां आ जाओ। ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में ना, बाप रे पानी के अंदर मरे पड़े हुए हैं। इंडिया फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम इज लोकेटेड एट, ये म्यूजियम है ध्यान रखना, इंडिया का पहला ऐसा म्यूजियम है जो कि अंडरग्राउंड वाटर है। तो जो वाटर के अंदर ये सभी क्या कर रहे हैं, म्यूजियम बनाया गया, कितना अच्छा लगता होगा ना जान के देखने में इसको, क्या बात है। कहाँ पे कौन बताएगा जल्दी से बता दो, चलते हैं हम सब लोग कहाँ पे है? चलो हम लोग चलेंगे साथ में, हम सबको लेके चलेंगे जल्दी से, जो जो आंसर सही बताएगा हम लेके चलेंगे पक्का। टिकट हम आज के यहीं से फ्लाइट का भिजवा देते हैं आप लोग के घर पे, हमको मेल आईडी दे देना, जो सही आंसर देगा उसको कोई सर्च नहीं करेगा, ठीक है, बिना सर्च किए देना है। जल्दी बता दो, कहाँ है सर जी, जल्दी से बताओ कहाँ पे है। सर जी कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है, ध्यान रखना। 7वें क्या आंसर, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। गटर के संत जो व्यक्तित्व का उपनाम है वो किसका है, सरोजनी नायडू का है, ठीक है, मदर टेरेसा का है, जगजीवन राम का है, या वल्लभ भाई पटेल का है, किसका है। किसका है सर, ध्यान रखिएगा, मदर टेरेसा का है। किसका है सर, मदर टेरेसा का, मदर टेरेसा का, मंजीत कुमार, बहुत अच्छा, 7 का D था, सही था। इसका बताइएगा, 9 नंबर है, आ जाओ। लिथुआनिया की राजधानी और राजधानी मतलब कैपिटल और करेंसी क्या है। ठीक है, लिथुआनिया की कैपिटल और करेंसी क्या है आपको बतानी है, ध्यान रखिए क्या है सर जी, विलनियस एंड यूरो है। क्या है सर जी, विलनियस और यूरो क्या है, उसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी है। अब बोलता है ये तो और भी इजी है रतन सर, आपने पढ़ा रखा है, जल्दी से बॉटनिकल जो गार्डन है कौन सा सर जी, वाघाई, वाघाई जो बॉटनिकल गार्डन है वो कहाँ पे सिचुएटेड है आपको ये बताना है, जल्दी से बता दो ये कहाँ पे सिचुएटेड है आपको बताना है। तो हमने बहुत बार पढ़ाया आप लोग को, हरियाणा में, कहाँ है सर जी, हरियाणा में है। अच्छा हाँ, 8 का B हो गया। अरे हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चल रहे हैं, आप लोग का बड़ा लेट कमेंट आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जा गए हैं। वैद्य रत्न आयुर्वेद संग्रहालय जो है ना, ठीक है, आयुर्वेद म्यूजियम है जो, कहाँ पे लोकेटेड है आपको बताना है। तो ये सर कहाँ पे है जल्दी से बता दो, तो ये है आपका सर केरला में। कहाँ पे है सर, केरल में लोकेटेड है। ठीक है, रोजर फेडर किस खेल से जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं बोलना सर, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन आपने पूछ दिया, टेनिस से जुड़े हुए हैं सर, दिखाई भी दे रहा है, हम आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। कहता है सर यहाँ पे खोरिया जो नृत्य है वो किस राज्य का एक नृत्य है आपको बताना है। ठीक
ठीक है, किस राज्य का एक नृत्य आपको ये बताना है, तो ये है सर जी हरियाणा राज्य का एक क्या है सर नृत्य है। हम कमेंट सबका पढ़ रहे हैं, ठीक है आंसर दो। वेरी गुड राम जानकी, बहुत अच्छा निधि, बहुत अच्छा 10 का B, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, जीवनी पर ड्रीम गर्ल्स द्वारा लिखा गया है बायोग्राफी ऑफ बियॉन्ड द ड्रीम, ठीक है क्या है सर बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल्स रिटेन बाय किसके द्वारा लिखा गया है। बियॉन्ड द ड्रीम समझ सकते हो हेमा मालिनी के ऊपर लिखा गया था, किसके ऊपर लिखा गया सर हेमा मालिनी के ऊपर लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया है आपको ये बताना है। तो किसके द्वारा लिखा गया, अरुंधति रॉय द्वारा क्या किया गया था सर लिखा गया था, अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट आ जाओ, भरकोट हवाई अड्डा, भरकोट एयरपोर्ट जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, भरकोट जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो राजस्थान में सिचुएटेड है। कहाँ पे है सर राजस्थान में सिचुएटेड है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज, अब यहाँ पे पूछता है कि व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इटली, इटली का जो नेशनल गेम है वो क्या है, इटली का जो नेशनल गेम है वो क्या है आपको बताना है, जल्दी से बता दो। इटली का जो नेशनल गेम है वो क्या है आपको बताना है, जल्दी से बता दो। इटली का जो नेशनल गेम है वो क्या है आपको बताना है, बता दो। जल्दी से क्या है सर फुटबॉल, क्या है सर फुटबॉल। नेक्स्ट आ जाओ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन विच कंट्री, किन दो कंट्रियों का है, जल्दी से आंसर आपके पिक में है, ध्यान से आंसर देना, आंसर आपके पिक में है, आंसर ध्यान से देना, ठीक है। करेक्ट आंसर सर हमारा क्या है, चाइना और इंडिया के बीच में हम लोग बोलते हैं क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, चाइना और इंडिया के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कहता है यहाँ पे सिम्हाद्री जो सुपर थर्मल पावर है ना इस प्लांट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, जल्दी से ये कहाँ पे लोकेटेड है आपको ये बताना है। तो ये कहाँ पे है सर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, कहाँ पे है सर मध्य प्रदेश में है। चलो ये तो और भी अच्छा इजी है, ठीक है। बोले जो पुरस्कार अवार्ड दिया जाता है किस फील्ड में दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है, तो ध्यान रखना ये दी जाता है एग्रीकल्चर के फील्ड में दी जाती है, किस फील्ड में दी जाती है सर एग्रीकल्चर के फील्ड में दी जाती है। नेक्स्ट आ जाओ, हेडक्वार्टर पूछा ए सी एओ का, ठीक है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ पे है आपको ये बताना है। तो कहाँ पे है सर जी मॉन्ट्रियल्स कनाडा में है, कहाँ पे है सर जी मॉन्ट्रियल्स कनाडा में है। चलो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, 18 का MP, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं, लास्ट के जो 20 क्वेश्चन है वो मिसलिनियस है, उसमें सब होगा, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी होगी, स्टैटिक्स होगी, करंट अफेयर होगी, सब कुछ है, और आप लोग को पता हो कि शॉक्ड हो जाओगे। अभी हम लोग अभी तक 100 क्वेश्चन कवर कर लिए, अब पहले ये बताओ कि 100 क्वेश्चन कवर करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, पहले ये बताओ 100 क्वेश्चन करने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ सर हमारी तैयारी बिल्कुल सही है, गलत हमारा नहीं हो रहा है, 2 4 5 गलत चलता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे लगे ये बताओ, और आगे हम लोग कंटिन्यू करें 20 क्वेश्चन खत्म कर दे जल्दी से, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा, हम लोग 20 क्वेश्चन खत्म कर देंगे, जल्दी से बताओ सभी तैयार हैं, सभी तैयार हैं 20 क्वेश्चन खत्म करने के लिए, जल्दी बता दो कि हाँ सर हम तैयार हैं, अगर तैयार हो तो कंटिन्यू कर दे नहीं तो स्टॉप कर दे। चलो कंटिन्यू, क्योंकि आज लर्निंग उस पे लर्निंग ऐप पे आज क्लास नहीं है, ध्यान रखना आज लर्निंग ऐप पे जो 10 बजे हम क्लास लेते हैं 10 PM वाली नहीं है, कैंसिल है ये क्लास, कल होगी, कल लर्निंग ऐप पे 10 बजे है, ठीक है, और 8 बजे भी है, और एक दोपहर में हमने क्लास रखी है शायद, कितने बजे हमें याद नहीं है, दोपहर तो में भी क्लास है एक है शायद हमारे को, जहाँ तक है 1 PM पे है, ठीक है 1 PM या 2 PM पे क्लास है, कल 3 क्लास है लर्निंग ऐप पे, ध्यान रखना। कल यूट्यूब पे सिर्फ एक क्लास है 10 AM वाला, जो एनालिसिस सुबह कराते हैं, कल कराएंगे 26 तारीख का, 26 मार्च की एनालिसिस, उसके बाद सब लर्निंग ऐप पे, कल यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है। चलो सभी को अच्छा लगा ये बहुत अच्छी बात है, तो 20 क्वेश्चन और है जल्दी से हम लोग खत्म कर लेते हैं, ठीक है 20 क्वेश्चन और है। मंजीत कुमार की हो गया, कोई दिक्कत है, मैसेज करके डिलीट करने के क्या आदत है, ये व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सएप पे अगर कोई नहीं देखता है तो वो ठीक चलता है, डिलीट कर दो पता नहीं चलेगा, यहाँ पता चल जा रहा है, हम पढ़ लिए थे, समझ रहे हो मंजीत और सौरभ,
देखो निधि भी डिलीट करना चालू कर दी, मतलब अच्छा नहीं लगा था, है ना। कंटिन्यू नहीं मत करिए सर, रोक दीजिए, ये कहना चाहते हो है मंजीत। ये प्रभु व्हाट्सएप नहीं है, ध्यान रखिए। मिसलेनियस पे हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन मिसलेनियस पे आ जाओ, फटाफट मिसलेनियस हम लोग करेंगे, देर नहीं लगेगा। चलो बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा आपको। यहाँ पे आपके सामने ये चार चीजें हैं, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, एक्टिंग जज आर अपॉइंटेड इन सुप्रीम कोर्ट द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा, बोध ए एंड बी, किसके द्वारा की जाती है। चलो किसके द्वारा की जाती है, तान्या ने कहा है ए, चलो ठीक है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कोई और बताओ। तान्या सच बताना बच्चा, तुक्का मार रहे हो ना, बोलो हाँ सर तुक्का मार रहे, सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर सर क्या है हमारा, ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट है। क्या है सर, हाई कोर्ट इज अ करेक्ट आंसर। जय हिंद अंश, कैसे हो, नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट स्ट्रगल इज अ फेमस विद द टाइटल, ये भी आप एग्जाम में पूछा हुआ है, डुंगली चोर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डुंगली चोर, ओनियन थीफ, प्यास चोर इसको बोलते हैं, शीर्ष से प्रसिद्धित है, किसका सर बताइएगा, बारडोली है, खेड़ा है, चंपारण है, या बकाईकाम है, क्या है। तो करेक्ट आंसर सर जो इसका है हमारा क्या है, वो खेड़ा है। क्या है सर, खेड़ा है। चलो वेरी गुड, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सर कि त्रिकोष्ठीय जो हृदय में हो पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चैम्बर्ड हियर्ड हर्ड इज फाउंड, क्या कहते हैं जल्दी से, कहाँ पे, मैमल्स, बर्ड, एम्फीबियस, या पिजल, किस में पाए जाते हैं। कर रहे हैं भैया, कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। क्या होगा करेक्ट आंसर सर, सर उभयचरों में, एम्फीबियस में पाए जाते हैं। बता दो, शब्द जो सत्याग्रह है, द वर्ड सत्याग्रह वॉज सजेस्टेड टू गांधी बाई, ठीक है, गांधी जी को किसने सुझाया था, ये बताना है आपको। चौथे का आंसर क्या होगा, तो चौथे का आंसर सर जो हमारा है मंगल, ध्यान रखिएगा, मगन लाल गांधी ने क्या किया था, गांधी जी को सजेस्ट किया था। भाई लाइक वाइक भी कर देना, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छी लग रही है, तो लाइक करके जाना, छोड़ के मत जाना। अगर अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी करके जाना कि सर आपकी कंटेंट अच्छी नहीं है, इसको और अच्छा करिए, तो हमें समझ में आएगा कि हमारे को कंटेंट और भी अच्छा लाना चाहिए, ठीक है। तो जो आपकी थॉट्स हो वो जरूर से बताइएगा, और कमेंट में भी बताइएगा लिख के कि हाँ सर अच्छा है नहीं है, जो भी आपकी थॉट्स हो आप बता सकते हैं, उससे मैं बाद में जब देखता हूँ तो मुझे पता चलता है, अच्छा इसमें 10 लोगों ने डिसलाइक करी है, इसका मतलब कि ठीक है कुछ कमी है, ठीक है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि कैसे इन लोग को पता है कि भाई ये चीज़ अच्छा है, ठीक है। जल्दी से, जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, बाबू तान्या अभी सब कुछ पढ़ाएंगे, थ्योरी ना तो बहुत अच्छे से हम समझा देंगे क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, चिंता नहीं करो, ठीक है। अभी पहले हम लोग क्वेश्चंस मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यूज कर रहे हैं 1-2 दिन के, 1 अप्रैल से जो स्टार्ट करेंगे ना हम, उसमें विद एक्सप्लेनेशन आपको सुबह और शाम वाली क्लास में मिल जाएगा, A to Z चीजें मिलेंगी। पहले यहाँ पे जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, जल्दी बता दो इसका आंसर क्या होगा पांचवें का। तो करेक्ट आंसर सर हमारा क्या है, फिशिंग होगा। क्या होगा सर पांचवें का आंसर क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा। बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा, क्या है सर, एग्रीकल्चर इज अ करेक्ट आंसर, वेरी गुड। जेनेटिक उद्योग किसमें सम्मिलित है बताओ। यहाँ पे ये भी इजी है सर, तुलबुल जो प्रोजेक्ट है इज ऑन विच रिवर, किस रिवर पे है, ये मैंने पढ़ा रखा है। तुलबुल जो प्रोजेक्ट है इज ऑन विच रिवर, किस रिवर पे है ये बता दो जल्दी से आप सभी लोग। तो किस रिवर पे है सर, ये है हमारा झेलम रिवर पे है, किस पे है सर, झेलम रिवर पे सर सिचुएटेड है, ठीक है। मनजीत बहुत लेट आंसर आ रहा है आपका, चौथा भी बता रहे हो, हम चल रहे हैं छठे नंबर पे, ठीक है। अंश गुप्ता आपने ए दिया था और डिलीट कर दिया, अब क्या दोगे आंसर जल्दी से बताओ, हमने तो देख लिया। बी सही है बिल्कुल, चलो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ।
आठवें का आंसर, सातवें का आंसर क्या होगा जल्दी से सर? सातवें का होगा, निम्नलिखित देश में से कौन सा अफ्रीका के पश्चिम तट पर स्थित नहीं है, पूछा है। हु अमोंग द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, इसमें से कौन सा है जो कि अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है सर जी? लाइब्रेरिया नहीं है, बाकी सब है, बोत्साना भी है, ठीक है, गोबेन भी है, अंगोला भी है, बट ये कंट्री नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लाइब्रेरिया नहीं है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब कहता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, कहता है वन अनुसंसाधन संस्था जो है वो कहाँ पे स्थित है, आपको ये बताना है। ये रहा पोल, पोल तो है ही नहीं, आदत हो गया बोलने का। कहाँ पे है सर? तो ध्यान रखिएगा देहरादून में सिचुएटेड है। कहाँ पे है सर? देहरादून में सिचुएटेड है। ठीक है, कहाँ पे है सर? देहरादून में सर सिचुएटेड है। आज बहुत क्लास चली है आप लोग की। चलो यहाँ पे क्या कहता है, भारत को ओशनिक, ध्यान रखिए ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। भारत का जो ओशनिक नेशनल पार्क है ना वो कहाँ पे लोकेटेड है या कहाँ पे सिचुएटेड है, आपको ये बताना है। जल्दी से बता दो कहाँ पे सिचुएटेड है ये बताना है। तो कहाँ पे है सर जी? ध्यान रखिएगा कच्छ में है। कहाँ पे है सर? कच्छ में है। उसके बाद ये 10वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 10 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चली है, कहाँ से कहाँ तक चली है आपको ये बताना है। वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य में, नई दिल्ली से जम्मू, नई दिल्ली से जम्मू मुंबई, ये है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? वाराणसी से न्यू दिल्ली चली है, वाराणसी से न्यू दिल्ली चली है। नेक्स्ट आ जाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान को विभिन्न वर्षों के साथ सुमिलित करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई सारे चीजें तैयार हो जाएंगी। डिफेंस एक्सपो का पूछा है, मैच द फॉलोइंग डिफेंस एक्सपो एंड दियर वेन्यू इन अ डिफरेंट ईयर, अलग अलग कहाँ पे हुए थे डिफेंस एक्सपो। जैसे चेन्नई में हुआ था तो कब हुआ था, साउथ गोवा में हुआ था कब हुआ था, लखनऊ में हुआ था कब हुआ था, हैदराबाद में हुआ था कब। लखनऊ में तो रिसेंटली हुआ था, लखनऊ से ऑप्शन निकल जाएगा, यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा अगर आप ध्यान से दो तो। मैंने पढ़ा रखा है, जल्दी से बता दो करेक्ट आंसर सर क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से आंसर देना, गलत मत करना, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप सभी बताइएगा, जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, क्या होगा सर? 11 का ऑप्शन क्या होगा? डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड फोर्थ एंड थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2016, ध्यान रखिएगा 2016 में कहाँ हुआ था सर? साउथ गोवा में हुआ था। ठीक है, फिर 2018 में ध्यान रखिएगा कहाँ पे हुआ था? तो 2018 में सर हुआ था कहाँ पे? अभी जस्ट मैंने बोला सर, हैदराबाद में। ठीक है, फिर बात आती है 2019 में सर कहाँ पे हुआ था? 2019 में सर कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। और रिसेंटली जो 2020 में हुआ था सर वो लखनऊ में हुआ था। मैंने आपको जस्ट बोला कि रिसेंटली कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। तो एक ऑप्शन तो हमें यहीं से मिल गया, मतलब डी का, जहाँ पे हमें थर्ड दिखेगा, मतलब डी का देखो थर्ड यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, मतलब ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। अब इन तीन में से चूज करना था जो कि आपका हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। चलो 8 क्वेश्चन और है, खत्म हो जाएगा। वांगला जो फेस्टिवल होता है ना, क्या है सर? वांगला जो फेस्टिवल होता है ना इस सेलिब्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेट, किस स्टेट में ये सेलिब्रेट किया जाता है वांगला फेस्टिवल, जल्दी से बताइएगा। वांगला जो फेस्टिवल होता है कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा सर ये मेघालय में किया जाता है। कहाँ करते हैं सर जी? मेघालय में करते हैं। ठीक है, जीवांश ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत कौन सा है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ फॉसिल्स इज क्या कहते हैं, जल्दी से बता दो, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। करेक्ट आंसर सर हमारा क्या होगा? शन होगा। क्या होगा सर? सूर्य होगा। कहता है रामसर सम्मिलित करिए, आपको बताना है रामसर जो कन्वेंशन है इज रिलेटेड टू, किससे है सम्मेलन, किससे जुड़ा हुआ है आपको ये बताना है, किससे जुड़ा हुआ है जल्दी से बताइएगा। तो ये जुड़ा हुआ है किससे? वेटलैंड कंजर्वेशन से, आर्द्र भूमि संरक्षण से सर जुड़ा हुआ है।
ठीक है, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है, कहाँ पे है आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश में, लक्षद्वीप में है, छत्तीसगढ़ में है, या अंडमान निकोबार में है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 क्वेश्चन और बाकी है, बहुत जल्दी से कर लेंगे। तो कहाँ पे है सर? अंडमान निकोबार इज अ करेक्ट आंसर सर, अंडमान निकोबार में है, ध्यान रखिएगा। कहता है भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है, आपको बताना है। ठीक है, मानसून ओरिजिनेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इन इंडिया, किस विंड से होता है? साउथ वेस्ट विंड्स होता है, साउथ ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, या नॉर्थ वेस्ट होता है। इससे इजी क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछ सकता आपको, इससे इजी क्वेश्चन एग्जामिनर आपको नहीं पूछ सकता, ध्यान रखिएगा। साउथ वेस्ट विंड होता है, क्या होता है सर? साउथ वेस्ट विंड होता है, ध्यान रखिएगा, साउथ वेस्ट विंड होता है। हम सब आप लोग कमेंट देख रहे हैं, कमेंट देना आप लोग छोड़ दे रहे हो, ठीक है, कमेंट देते रहो जिससे हमें पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन के आगे लिख दो, मंजीत, सौरभ, निधि, निधि तो लिख रही है, न्यू इंडिया और अंश, जो भी ऑप्शन है, जैसे 15 का ऑप्शन जो भी है, ध्यान से सुनना कि 15 सा ऑप्शन डी है, 16 का ऑप्शन ए है, तो इसको लिखो 15 का डी, क्योंकि ना नेटवर्क इश्यू बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आप लोग, कुछ लोगों का नेटवर्क बहुत अच्छा है तो जल्दी आ जा रहा है, कुछ लोगों का नेटवर्क बहुत धीमा है तो काफी लेट हमें आ रहा है, तो हमें पता चलता रहा है किसका आंसर सही आ रहा है। ऐसे क्या हो रहा है, आप लोग बी लिख दे रहे हो, अब ये बी ऑप्शन किसका दिया है हमें पता नहीं आ रहा है ना, तो नंबर उसके आगे जरूर से लिख दो। चलो 4 क्वेश्चन और है, जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं। कहता है चित्रकूट जल प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है, आपको बताना है। वाटरफॉल इज लोकेटेड कहाँ पे है, आपको ये बताना है, जल्दी से बताइएगा। तो कहाँ पे है सर, ध्यान रखिएगा, इंद्रावती रिवर पे, कहाँ सर? इंद्रावती रिवर पे, इंद्रावती रिवर पे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, वॉज द थीम ऑफ द स्टैटिक्स डे सेलिब्रेटेड और 29 जनवरी, सॉरी 29 जून 2020, निम्नलिखित में से कौन एक जून 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय थीम था, आपको बताना है, जल्दी से बता दो क्या होगा, क्या होगा आंसर, जल्दी से बता देना। करेक्ट आंसर क्या होगा सर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज अ करेक्ट ऑप्शन, सतत विकास लक्ष्य। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, रतन सर ने आपके सामने ये पेश कर दिया, जल्दी से आंसर आप लोग दे दो। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है, जल्दी से पद्मश्री पुरस्कार जीता है, जल्दी से पद्मश्री पुरस्कार जीता है, किसने जीता है आपको बताना है, किसने जीता है जल्दी से बता दो। तो सर इन्होंने जीता है, किसने? कंगना रनावत ने जीता है, जिन्होंने ट्वीट तक नहीं किया था, कहाँ पे सर? जब हम लोग कैंपेन चला रहे थे। चलो, कहता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये तो बहुत इजी है, सेलिब्रेटेड ऑन कब मनाते हैं, जल्दी से आंसर दे दो आप लोग, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से? तो इसका आंसर सर क्या होगा हमारा, 21 फरवरी इज अ करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल जो लैंग्वेज डे हम लोग मनाते हैं, ठीक है, मातृभाषा जो मनाते हैं वो लोग हम लोग मनाते हैं 21 फरवरी को सर, हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, सबको क्लियर है सब कुछ, जितने सारे बच्चे यहाँ पे हैं, सबको क्लियर है सबको, यहाँ पे जितने सारे बच्चे हैं ये बताओ, सबको क्लियर है? 20th का सी बिल्कुल सही ऑप्शन है, 20th का सी, यहाँ पे डी तो हमने डाला ही नहीं है यार, ये डी ऑप्शन आप कर लो, डी होगा, ठीक है, डी होगा, हाँ ये रहा, डी भी है, ठीक है, 21 दिसंबर, ठीक है, क्या है थी। थैंक यू सो मच एवरीबडी, उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, इन सेशन को आपने बहुत पसंद किया होगा, ठीक है, और ऐसे ही कभी कभी और एक दिन सेशन लेके आएंगे जहाँ पे फिर से कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे आपके सामने, करंट अफेयर का मैं करूँगा, ध्यान रखना करंट अफेयर कम से कम मान के चलो एक बार में, जनवरी का जो क्वेश्चन मैंने लर्निंग ऐप पे कराया उसको रिविजन कराने के लिए फिर से मैं आपको क्या करूँगा, जनवरी 2021 का एक पूरा स्लॉट बनाऊंगा 200 क्वेश्चन का और एक ही बार में पूरा रिविजन करा दूंगा, ठीक है, तो 2021 का जनवरी रट जाएगा आप लोग को, समझ में सबको मेरे आ रहा है, सबको मेरी बात समझ में आ रही है, सबको समझ में मेरी बातें आ रही है, जल्दी से बता दो। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतने देर तक थे मेरे संग, एंड नो डाउट मैंने आपको अच्छे कंटेंट भी प्रोवाइड कराए हैं तो अब ध्यान रखिएगा जितने सारे यहाँ बच्चे हैं, ठीक है, अंश गुप्ता, क्लास की टाइम देखो डेली सुबह 10 AM पे होती है,
ये इसी चैनल पे यूट्यूब पे होती है, ये थ्योरिकल होता है, इसमें हम लोग डेली का एनालिसिस करते हैं। कल हम लोग 26 का करेंगे, ठीक है, आज 25 है ना, कल 26 मार्च की करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे सुबह 10 बजे। उसके बाद जो क्लासेस है वो लर्निंग ऐप पे है, ठीक है, लर्निंग ऐप पे 10 PM पे है, आप आ सकते हो। ये करंट अफेयर चल रहा है जनवरी का, पार्ट 15-16 करवाएंगे यहाँ पे। उसके बाद सर क्लास किसका है, 8 PM पे भी है, ठीक है, 8 PM और 10 PM चलता है लर्निंग ऐप पे, बाकी यूट्यूब पे सुबह 10 बजे, बस इसके सिवा नहीं होता है। आज हमने स्पेशल सेशन लिया था तो पढ़ा दिया, ठीक है मंजीत। मैंने बताया ना, ये हमारी जो क्लास होती है वो सुबह 10 बजे होती है केवल AM पे, लर्निंग ऐप इसी पे यूट्यूब पे होती है जहां पे एनालिसिस करते हैं, बाकी लर्निंग ऐप पे 10 PM पे आइएगा और 8 PM पे, ठीक है। एक काम करो ना, नीचे यूट्यूब चैनल का वो दिया होगा, ठीक है, अरे सॉरी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां पे आप लोग क्या करो, जुड़ जाओ, वहीं पे मैं लिंक शेयर करता हूँ, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज नहीं है न्यू इंडिया, आज नहीं है, आज नहीं रखा यार, थक गया हूँ यार, 12:30 बजे से क्लास ले रहा हूँ आप लोग का। 12:30 बजे मैंने पढ़ाया था फिजिक्स का क्वेश्चन, 4 बजे फिर से पढ़ाया, लगभग 5:30-6 बजे तक मैंने आप लोग को पढ़ाया है, वो क्या पढ़ाया, क्वालिटी पढ़ाया है, फिर 8 बजे से लेके अभी आप तक मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को क्या, GS प्लस हिस्ट्री। तो दिन भर तो आज क्लास चला है, अब हिम्मत नहीं हो रहा। हाँ मैं सौरभ जोड़ दूंगा, ठीक है। तो नाउ थैंक यू सो मच अगेन आप सभी को, बहुत अच्छा लगा है कि आप सभी साथ दिए और हमने आपको कंटेंट दिया, ऐसे ही प्यार ढेर सारा बनाए रखिए, जिससे क्या हो हम भी ढेर सारा आप सबको प्यार दे और अच्छी अच्छी कंटेंट आप सबको डिलीवर करते रहे, ठीक है। अंश इसी में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, टेलीग्राम चैनल दिखेगा, वहां पे क्लिक करिएगा, आप पहुंच जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है, ठीक है, और नहीं तो आप एक काम करिएगा, लर्निंग ऐप पे जाइएगा, मेरा नाम सर्च करिएगा, रतन कुमार, रतन कुमार सर्च करिएगा, लास्ट क्लास जो मैंने स्पेशल क्लास पढ़ाया है उसको ओपन करिएगा आप, उसमें ओपन करके उसको पूरा देखिएगा, मैंने उसमें व्हाट्सएप नंबर आप लोग को शेयर करी पड़ी है, वहां से आप हमें मैसेज कर देंगे तो भी मैं आपको जोड़ देंगे, या लर्निंग ऐप पे जाके हमें आप मैसेज कर देंगे, अनअकेडमी का लर्निंग ऐप है उसमें भी आप हमें मैसेज कर देते हैं, जैसे आप हमें फॉलो करोगे, फॉलो करने के बाद वहां मैसेज का ऑप्शन खुल जाएगा, आप हमें मैसेज कर देंगे तो भी हम जोड़ देंगे, ठीक है, जहां से मन चाहे वहां से करिए, हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फाइनली आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा, मुलाकात करेंगे कल सुबह 10 AM के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।